यस, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। और मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आप लोगों को रिविजन लेक्चर नंबर 9 है वो ऑलरेडी मिल चुका है, जिसमें हमने ट्रांसफर प्राइसिंग और DTAA कवर किया था। आज हम रिविजन लेक्चर नंबर 10, और ये आपका आखिरी रिविजन लेक्चर रहेगा एग्जाम के लिए, डायरेक्ट टैक्स पेपर के लिए, और इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड ही आज कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ इंटरनेशनल टैक्सेशन से रिलेटेड, जो इंटरनेशनल टैक्सेशन वाला पार्ट है, उसके जो टॉपिक रिमेनिंग थे कल, वो हम कंटिन्यू करेंगे और उसको रिवाइज करने की हम लोग कोशिश करेंगे। दो टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले रिवाइज करवा चुका हूं, ट्रांसफर प्राइसिंग और DTAA, और आपको बहुत अच्छा लगे होंगे वो टॉपिक, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना। सबसे पहले तीसरा टॉपिक, और तीसरा टॉपिक है दैट इज द NRI के टैक्सेशन से रिलेटेड है, जिसको अपन चैप्टर 12AB बोल सकते हैं। सबसे पहली चीज सर, NRI का मतलब क्या होता है? तो NRI का मतलब ध्यान रखना, एक तो वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए, और नॉन रेजिडेंट के साथ में या तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन होना चाहिए, तो दैट पर्सन विल बी द NRI। तो NRI किसको बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट के साथ साथ में या तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन होना चाहिए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन का मतलब ये होता है कि जिसके पेरेंट्स और पेरेंट्स में से किसी का जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश जो आज जाना जाता है, अगर उसमें हुआ था तो उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाएगा। तो देखो, जो लोग इंडिया के बाहर सेटल हो चुके हैं, जैसे आपके बहुत सारे रिलेटिव वगैरह मान लो यूएसए में रहते हैं बहुत पहले से, तो उस केस में क्या होगा, वो NRI की कैटेगरी में आ जाएंगे। नॉन रेजिडेंट है वो आज, और उसके साथ साथ में या तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, दैट पर्सन विल बी द NRI। अब एक बात समझना, ये जो टॉपिक होता है दैट इज अ चैप्टर 12, ये ऑप्शनल होता है, आपको लेना है तो लो, नहीं लो तुम्हारी मर्जी। मतलब NRI यहां पे कुछ स्पेसिफिक टैक्स रेट है, उस स्पेसिफिक टैक्स रेट से कुछ स्पेसिफिक इनकम पे टैक्स भर दो, या फिर आप जो नॉर्मल टैक्स रेट, जो नॉर्मल आपकी टैक्स रेट रहती है, वो भी आप ले सकते हो। अब एक बात समझना, सबसे पहली चीज यहां पे ये होती है, ये टॉपिक ये बोलता है कि NRI के केस में उसके पास ये ऑप्शनल है, ये टॉपिक ऑप्शनल है। उसमें क्या है कि अगर NRI के पास में कोई फॉरेक्स असेट है, तो फॉरेक्स असेट पे ट्रांसफर करने पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो वो 10% से टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट इनकम हुई, वो 20% से टैक्सेबल होगा। तो दो इनकम यहां पे बात हो रही है कि अगर जो फॉरेक्स असेट है, फॉरेक्स असेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो उस पर 10% की रेट से टैक्स भर दो, और उस पर इंटरेस्ट इनकम आई, तो उस पर 20% की रेट से टैक्स भर दो। लेकिन सर, फॉरेक्स असेट बोलते किसको है? फॉरेक्स असेट ऐसी असेट होती है जो फॉरेन करेंसी में एक्वायर की थी, वो NRI ने उसको फॉरेन करेंसी में एक्वायर की थी। और फॉरेक्स असेट में कौन कौन सी असेट आएगी? सबसे पहला शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। अगर कोई इंडियन कंपनी का शेयर है, इंडियन कंपनी का शेयर मतलब पब्लिक कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, कोई भी कंपनी, शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी। दूसरा, डिबेंचर और डिपॉजिट विद द इंडियन पब्लिक कंपनी। जो इंडियन पब्लिक कंपनी है, वो इंडियन पब्लिक कंपनी का जो डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, वो भी फॉरेक्स असेट में आ जाएगा। और तीसरा, सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और चौथा, एनी अदर सिक्योरिटी मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो, सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला, NRI के पास ऑप्शन है कि NRI क्या कर सकता है, जो भी LTCG है उस पर 10% टैक्स भरो, और जो इंटरेस्ट इनकम है फॉरेक्स असेट पे LTCG पे 10%, फॉरेक्स असेट पे इंटरेस्ट इनकम पे 20%। फॉरेक्स असेट का मतलब क्या, ऐसी असेट जो कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में एक्वायर की थी, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी में एक्वायर की थी। कौन कौन सी असेट? या तो शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी में ऑल इंडियन कंपनी के शेयर हो जाएंगे। दूसरा, तुम्हारा डिपॉजिट सर्टिफिकेट, डिपॉजिट्स और डिबेंचर ऑफ द इंडियन पब्लिक कंपनी, सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और एनी अदर सिक्योरिटी तो याद रखने की जरूरत नहीं। तीन चीजें आप याद रखो, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, दूसरा शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, और तीसरा डिपॉजिट और डिबेंचर ऑफ द इंडियन पब्लिक कंपनी, वो तुम्हारे फॉरेक्स असेट में आ जाएगी। अब एक बात समझना, इन पे क्या होगा कि इन पे लॉन्ग टर्म हुआ तो 10% टैक्स, और इन पे इंटरेस्ट इनकम है उस पे 20% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। लेकिन एक चीज समझना, ये इंटरेस्ट इनकम के सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो सेक्शन आपका 2844C, जो PGBP में डिडक्शन मिलते हैं, या IFOS में जो डिडक्शन मिलता है, या डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से कोई भी डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मींस आई कैन से दैट ग्रॉस इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%, इंटरेस्ट के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, जो भी तुम्हारा LTCG होगा, वो LTCG के सामने भी चैप्टर 6 से के डिडक्शन नहीं मिलेंगे। ऐसे भी LTCG के सामने चैप्टर 6 से के डिडक्शन नहीं मिलते, लेकिन इंटरेस्ट के सामने भी चैप्टर 6 से के डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एज वेल एज द इंटरेस्ट के सामने आपको कोई भी खर्चे का डिडक्शन है वो नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, जो फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48 होता है, अपन ने कैपिटल गेन में पढ़ा था वो सनी वाला, पता है, नॉन रेजिडेंट के केस में वो कन्वर्टेबल इनटू फॉरेन करेंसी वगैरह करते थे, वो फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट है, वो अवेलेबल होगा। लेकिन सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट है, वो अवेलेबल नहीं होगा। सेकंड प्रोविजो का मतलब होता है इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन का बेनिफिट यहां पे LTCG के केस में नहीं मिलेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे क्वेश्चन ही आता है कि अगर मान लो किसी NRI के पास एक फॉरेक्स असेट है,
उसने फॉरेक्स एसेट बेची और उस पर एलटीसीजी हुआ, तो एलटीसीजी पे टैक्स रेट क्या लगेगी? 10%। अब एक और चीज समझना, अगर उसने कोई दूसरी फॉरेक्स एसेट खरीद ली विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांसफर, जो पुरानी फॉरेक्स एसेट बेची थी उस ट्रांसफर की डेट से 6 महीने के अंदर अंदर अगर अनदर फॉरेक्स एसेट उसने एक्वायर कर दी, तो जो भी एलटीसीजी है उस पर एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाएगा और एग्जेम्पशन 54F जैसे ही मिलेगी। जो अपन ने 54F में जो प्रोपोर्शनेट पढ़ा था ना, वो कि एलटीसीजी मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट डिवाइड बाय नेट कंसीडरेशन, ऐसा प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप एग्जेम्पशन का बेनिफिट है, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन एक चीज समझना, जो नई फॉरेक्स एसेट है वो नई फॉरेक्स एसेट 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करनी है, लॉकिन लग जाएगा, रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, 3 साल तक ट्रांसफर नहीं करनी। अगर आपने नई फॉरेक्स एसेट 3 साल में ट्रांसफर कर दी, तो जितना पहले आपने एग्जेम्पशन लिया था वो एलटीसीजी वापस से टैक्सेबल हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में आपने वो नई फॉरेक्स एसेट 3 साल के अंदर अंदर ट्रांसफर की। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई एनआरआई है, वो एनआरआई की इनकम सिर्फ 2 ही नेचर की है, एक तो तुम्हारा फॉरेक्स एसेट पे इंटरेस्ट या फॉरेक्स एसेट पे एलटीसीजी, और अगर उसका टीडीएस कट चुका है तो उस एनआरआई को इंडिया में रिटर्न फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे सेक्शन 115H बोलती है कि भैया 115G बोलती है कि उसको इंडिया में रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं अगर टीडीएस कट चुका है और इनकम सिर्फ 2 ही नेचर की है। तो अब एक और चीज समझना, अगर कोई पर्सन है वो पहले नॉन रेजिडेंट था, एनआरआई था, लेकिन मान लो इस साल वो रेजिडेंट बन गया, तो रेजिडेंट बन गया क्या उसके बाद भी वो ये वाले बेनिफिट, ये टॉपिक के बेनिफिट का लाइक बेनिफिट्स है, वो बेनिफिट्स उठा सकता है या नहीं, मतलब इस टॉपिक का बेनिफिट है वो ले सकता है या नहीं अगर वो रेजिडेंट बन गया तो भी? आप बोलोगे नहीं, बट आंसर इज यस, वो ले सकता है। अगर वो रेजिडेंट बन गया इस साल में तो भी वो स्पेशल प्रोविजन जो चैप्टर 12A वाले है उसका बेनिफिट ले सकता है। लेकिन यहां पर एक चीज समझना, जब तक वो फॉरेक्स एसेट उसके पास है तब तक वो इंटरेस्ट पे 20% की रेट से टैक्स भर सकता है, वो ले सकता है। उसको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले बताना पड़ेगा कि मैं रेजिडेंट बन गया बट मैं 12A का बेनिफिट लेना चाहता हूं, तो उसको वो बेनिफिट है वो मिल जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और ये वाला टॉपिक है, ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लो तो तुम्हारी मर्जी, आप दूसरे नॉर्मल प्रोविजन से जा सकते हो। तो एक बात बताऊं, इस टॉपिक को अगर एक बार और रिवाइज करवाना चाहूं तो मैं ये बोलूंगा कि देखो, पहली चीज, दिस टॉपिक इज एप्लीकेबल ओनली टू द एनआरआई। एनआरआई का मतलब होता है एनआर प्लस या तो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। उसके केस में जो भी फॉरेक्स एसेट है, फॉरेक्स एसेट को ट्रांसफर किया, एलटीसीजी हुआ, 10% उस पर इंटरेस्ट इनकम है, वो 20% से टैक्सेबल होगा। एक और चीज समझना, इंटरेस्ट इनकम और तुम्हारा एलटीसीजी, इंटरेस्ट इनकम 20%, एलटीसीजी 10%। एक और चीज समझना, फॉरेक्स एसेट का मतलब क्या होता है, या तो इंडियन कंपनी के शेयर है, या इंडियन पब्लिक कंपनी के डिपॉजिट या डिबेंचर है, या सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जो फॉरेन करेंसी में आपने एक्वायर की थी, दैट इज कॉल्ड फॉरेक्स एसेट। एक और चीज समझना, जो भी तुमको कैपिटल गेन होता है वो कैपिटल गेन के सामने चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट मिलेगा, सेकंड प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट के सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एज वेल एज द चैप्टर 6A का डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगा। अगर एक बात समझना, अगर आपने एक फॉरेक्स एसेट आपने ट्रांसफर की, उस पे एलटीसीजी हुआ, आप अनदर फॉरेक्स एसेट 6 महीने के अंदर अंदर एक्वायर कर लेते हो, तो जो भी कैपिटल गेन हुआ था वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एग्जेम्पशन 54F जैसे अपने को प्रोपोर्शनेट मिल जाएगा। एक और चीज समझना, अगर आपका टीडीएस कट चुका है और ये 2 ही नेचर की इनकम है, तो उस केस में आपको रिटर्न भी इंडिया में फाइल करने की जरूरत नहीं। आप रेजिडेंट बन गए उसके बाद भी इस टॉपिक का बेनिफिट आप ले सकते हो, जब तक आपके पास वो फॉरेक्स एसेट है तब तक आप इंटरेस्ट इनकम को 20% की रेट से टैक्सेबल करवा सकते हो। और ये टॉपिक है, ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लो, नहीं लो तो तुम्हारी मर्जी करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक आपको दे रखा है स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स। यहां पे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स, और यहां पे कुछ रेट ऐसी है जो कोई एनआर के लिए है, कुछ रेट्स ऐसी है जो सिर्फ रेजिडेंट के लिए, कुछ रेजिडेंट के लिए, कुछ एनआर के लिए, कोई दोनों के लिए। तो अपन एक काम करते हैं, पहले वो वाली रेट पढ़ लेते हैं जो सिर्फ एनआर के लिए है। तो सबसे पहली सेक्शन है 115A करके, और सबसे पहली सेक्शन जो है वो 115A है। और 115A क्या बोलती है, 115A के अगर किसी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को, ध्यान रखना, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है, वो अगर मान लो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को पैसा मिलता है किसके लिए, या तो इंटरेस्ट मिलता है उसको, या फिर टेक्निकल फीस मिलती है, या फिर रॉयल्टी मिलती है, तो वो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में कैसे टैक्सेबल होगा, समझने की कोशिश करना। तो यहां पे मैंने एक चार्ट दे रखा है, चार्ट में सबसे पहले मैंने बोला हुआ है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, इधर देखना बेटा, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट में ध्यान रखना, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिला, किससे मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से इंटरेस्ट मिला, तो वो 5% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के केस में। तो देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, उसमें उसने इन्वेस्ट किया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से अगर इंटरेस्ट मिला नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को, कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, 5% से, और उसमें टीडीएस भी कटता है 5% से अंडर सेक्शन 194LB करके, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने फॉरेन करेंसी लोन दिया था, और फॉरेन करेंसी लोन बाय इंडियन कंपनी, मतलब फॉरेन करेंसी लोन लिया इंडियन कंपनी ने, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी लोन बाय इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट,
अंडर लोन अग्रीमेंट बिटवीन 1 जुलाई 2012 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में यहां पे अग्रीमेंट हुआ है, लोन अग्रीमेंट। और दूसरा बाय वे ऑफ द लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू टिल 30 जून 2020 और रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स अप टू 30 जून 2020। तो ये आपको इतना डेट वगैरह याद नहीं रहेगा, तो आप इतना याद रखो कि फॉरेन करेंसी लोन लिया किसने, इंडियन कंपनी ने। ऐसे याद रखो, फॉरेन करेंसी लोन लिया इंडियन कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने। तो फॉरेन करेंसी लोन लिया है इंडियन कंपनी ने या बिजनेस ट्रस्ट ने करके, ठीक है, या फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इशू किए हैं या फिर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इशू किए हैं। और उस केस में अगर इंडियन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट है वो किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट देता है, तो उस आगे वाले के लिए 5% की रेट से टैक्सेबल होगा और उस पर टीडीएस भी 5% की रेट से घटता है अंडर सेक्शन 194LC करके। अब एक और चीज समझना, इंटरेस्ट पेबल टू या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और क्वालिफाइड फॉरेन लाइक इन्वेस्टर फॉर द इन्वेस्टमेंट मेड इन द रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ इंडियन कंपनी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी अप टू 30 जून। तो देखो ये सेक्शन पार्ट है वो सिर्फ दो ही लोगों पे लगेगा, एक तो जो FII दैट है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और दूसरा तुम्हारा QFII है। उन्होंने इन्वेस्टमेंट किसमें किया है, रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स में इंडियन कंपनी के या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया FII या फिर QFII, उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 5% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद अपन ने एक और चीज समझना था, आपको पता है बिजनेस ट्रस्ट में अपने पढ़ा था और बिजनेस ट्रस्ट के केस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर SPV से इंटरेस्ट जो मिलता था बिजनेस ट्रस्ट को, बिजनेस ट्रस्ट वो इंटरेस्ट है वो यूनिट होल्डर को देता था, तो यूनिट होल्डर के हाथ में वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता था 5% की रेट से। तो वही वाली बात बोलेगा कि इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द नॉन रेजिडेंट यूनिट होल्डर फ्रॉम द बिजनेस ट्रस्ट एंड बिजनेस ट्रस्ट रिसीव दैट इंटरेस्ट फ्रॉम द SPV, तो वो टैक्सेबल होगा 5% की रेट से। और उसको छोड़ के और भी कोई भी इंटरेस्ट किसी नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को मिलता है इंडियन कंसर्न से फॉरेन करेंसी लोन पे, तो उस केस में गवर्नमेंट से या इंडियन कंसर्न से मिलता है ऑन द फॉरेन करेंसी लोन, देन दैट इंटरेस्ट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20%। मतलब आगे जो चार पार्ट अपन ने पढ़े अगर वो उसमें कवर नहीं होता है तो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के लिए 20% की रेट से वो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखो एक बार मैं बोलूं आपको, मैंने क्या बोला आपको, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी ने क्या दिया, सबसे पहले बात अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड होता है उससे इंटरेस्ट मिलता है 5% से टैक्सेबल। दूसरी चीज, किसी भी इंडियन कंपनी से या फिर बिजनेस ट्रस्ट को फॉरेन करेंसी लोन दिया था या रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स और लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स जो है वो इशू किए थे उसके बदले अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी को इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्सेबल होगा 5% की रेट से। तीसरा, जो FII है या QFII है, उन्होंने फॉरेन करेंसी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है इंडियन कंपनी का या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया था उनको जो मिला वो 5% से टैक्सेबल। तीसरा, अगर यूनिट होल्डर नॉन रेजिडेंट है बिजनेस ट्रस्ट का, बिजनेस ट्रस्ट ने इंटरेस्ट दिया यूनिट होल्डर को और यूनिट होल्डर को वो इंटरेस्ट जो दिया है वो बिजनेस ट्रस्ट को SPV से मिला था वो उसके हाथ में 5% से टैक्सेबल, और अदर इंटरेस्ट है वो 20% से टैक्सेबल हो जाएगा अगर वो ABCD में नहीं आता है। तो एक और चीज समझना, जो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को डिविडेंड मिलता है दैट डिविडेंड विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20% अगर इंडिया से डिविडेंड मिलता है, बट बेसिकली ये इररिलेवेंट पॉइंट है आज क्योंकि डिविडेंड है वो टैक्सेबल नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी कंपनी यहां पे DDT पे कर देती है इंडियन कंपनी, तो वो डिविडेंड है वो नॉन रेजिडेंट के लिए एग्जेम्प्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 1034। एक और चीज समझना, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द UTI म्यूचुअल फंड, UTI म्यूचुअल फंड से अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को कोई इनकम मिलती है तो वो भी 20% से टैक्सेबल होगी, बट वो भी इररिलेवेंट चीज है। इररिलेवेंट इसके लिए है क्योंकि आज UTI म्यूचुअल फंड जब भी इनकम देती है तो उस पर ऑलरेडी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 115R में पे कर देती है और वो यूनिट होल्डर के हाथ में यूनिट होल्डर के हाथ में 1035 में वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, और जब एग्जेम्प्ट हो जाता है तो ऑब्वियसली यहां पे टैक्सेबल की ये जो पॉइंट है ये इररिलेवेंट है। एक और चीज समझना, अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। लॉ ये बोलता है कि अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, क्या नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को इंडिया से मतलब किसी से रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10% की टैक्स रेट है, 10% से टैक्सेबल हो जाएगा नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी के हाथ में अंडर सेक्शन 115A। लेकिन एक चीज समझना आप, देखो नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को जो भी रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है मतलब उसके लिए पैसा मिलता है नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का, दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%, 10% ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगा। लेकिन एक चीज समझना, यहां कंडीशन ये है कि उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में PE नहीं होना चाहिए। अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में PE है और PE की वजह से अगर उसको रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है तो उस केस में वो बिजनेस में टैक्सेबल होगा और वो बिजनेस में सेक्शन 44DA में चला जाएगा और 44DA के हिसाब से नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर उस नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में PE है ही नहीं तो उस केस में वो रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है वो तुम्हारे 115A में आएगा और उस केस में वो 10% से टैक्सेबल होगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना करके, ठीक है, अगर नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी है
उसको रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिलता है, वो कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर वो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई है और वो पीई से रिलेटेड रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस है तो 44DA में बिजनेस में जाएगा, नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होगा। लेकिन वो नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी का इंडिया में पीई नहीं है करके, ठीक है, या पीई है बट पीई से कनेक्टेड वो रॉयल्टी नहीं है, तो उस केस में वो रॉयल्टी 115A में 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन आती है तुम्हारी 115AB, और 115AB ये बोलती है कि अगर जो भी ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, ओफो करके, ओफो ऐसे याद रखो, 115AB ओफो, 115AB ओफो, ओफो मतलब ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जो ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगर यूटीआई म्यूचुअल फंड की यूनिट से LTCG होता है, अगर UTI म्यूचुअल फंड की यूनिट्स बेचने से अगर LTCG होता है, किसको? OFO को, OFO मतलब ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को अगर मान लो UTI म्यूचुअल फंड की यूनिट्स है जो एक्वायर की थी फॉरेन करेंसी में, उसको बेचने पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 10%। अब एक और चीज समझना, 115AC, 115AC ये बोलती है कि जो भी इंडियन कंपनी के बॉन्ड्स है या इंडियन कंपनी की GDR है, GDR मतलब ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट, अगर नॉन रेजिडेंट को क्या होता है कि इंडियन कंपनी की जो भी GDR है, इंडियन कंपनी के जो नोटिफाइड बॉन्ड है जो 115AC में नोटिफाइड होते हैं, उन बॉन्ड्स या GDR को बेचने पे अगर LTCG हुआ तो 10% और इंटरेस्ट पे भी 10%। तो मैंने क्या बोला, नॉन रेजिडेंट फॉरेन कंपनी को क्या मिलता है, GDR या इंडियन कंपनी के बॉन्ड जो नोटिफाइड है 115AC में, उसको अगर बेचने से LTCG हुआ, 10% की रेट से इंटरेस्ट मिला उस पे, तो भी तुमको 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। 115AD सेक्शन, और 115AD ये बोलती है कि जो भी तुम्हारी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है FII करके, ठीक है, FII, that is foreign institutional investor, उनको सिक्योरिटी पे इनकम मिलती है, बट सिक्योरिटी में यहां पे बेटा यूनिट्स ऑफ UTI म्यूचुअल फंड को छोड़ के, FII है, कौन है FII, foreign institutional investor, उनको सिक्योरिटी पे इनकम मिलती है, लेकिन सिक्योरिटी पे इनकम मिलती है किसको छोड़ के, UTI और म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को छोड़ दो सिक्योरिटी में से, सिक्योरिटी पे इनकम मिलती है, और सिक्योरिटी में ध्यान रखना, अगर वो सिक्योरिटी पे LTCG हुआ FII को तो 10% से टैक्सेबल, अगर वो STCG हुआ 30% से टैक्सेबल, इंटरेस्ट मिला 20% से टैक्सेबल, और STCG अगर 111A वाला है तो वो 15% से टैक्सेबल। तो कैसे याद रखोगे, देखो STCG 111A वाला ऐसे भी 15% से टैक्सेबल होता है, LTCG 10% से टैक्सेबल होगा, STCG 30% से टैक्सेबल होगा, और इंटरेस्ट है वो 20% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन एक और चीज समझना, अगर 112A लग रहा है तो ऑब्वियसली वो 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, अगर 1,00,000 से ज्यादा वाला 1,00,000 तक ऐसे भी एग्जेम्प्ट होता है करके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सेक्शन आती है 115BBA, 115BBA इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, 115BBA ये बोलती है कि अगर नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन याद आया आपको, स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन है, वो स्पोर्ट्स पर्सन क्या करता है, इंडिया में किसी भी गेम में पार्टिसिपेट करने आता है, या स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, या एंटरटेनर है, और एक और चीज समझना, स्पोर्ट्स पर्सन या जो एंटरटेनर रहता है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट के साथ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया और होना चाहिए, मतलब वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, इंडिया में पार्टिसिपेट करने आता है गेम में वगैरह, या फिर न्यूज पेपर में आर्टिकल देता है या एडवर्टाइजमेंट करता है। मैंने आपको TDS टॉपिक में रिवाइज करवाया था, ला ले ओ दैट वाला करके, ठीक है, तो उसको जो इनकम मिलता है दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट 20% की रेट से टैक्सेबल होता है, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन तुम्हारी 194E होती है जिसमें TDS 20% से कटता है और यहां पे टैक्सेबल भी 20% की रेट से होता है। एक और चीज समझना, ये जितनी भी अपन ने स्पेशल रेट वाली सेक्शन पढ़ी, कौन कौन सी, 115A पढ़ी, 115AB पढ़ी, AC पढ़ी, AD पढ़ी, BBA पढ़ी, ये सब नॉन रेजिडेंट के लिए थी, ठीक है। अब एक चीज समझना, ये जो सेक्शन पड़ी इसमें जो भी इनकम होती है उसके सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, मतलब किसी भी खर्चे है वो खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, जो ग्रॉस इनकम होती है वो ग्रॉस इनकम आपको टैक्सेबल हो जाती है करके, ठीक है। एक और चीज समझना, जो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है वो भी नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, ये स्पेशल रेट्स वाली जो इनकम थी उसके सामने डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस जो थी, जो 115A में जहां पी नहीं था वगैरह, पी नहीं था तो 10% ज्यादा था, वो रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के सामने आपको बेटा डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस के सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से है उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, जो फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 48 है, जहां जहां कैपिटल गेन की बात हुई अब स्पेशल रेट्स में, तो जो चैप्टर 6 से जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रोवाइजो है सेक्शन 48 का फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वो सनी वाला कन्वर्जन ऑफ नॉन रेजिडेंट के केस में फॉरेन से इंडियन करेंसी में, TTBR TDSR, वो एन इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, वो आपको नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, जो NRI के लिए अपन ने रेट पड़ी थी वो ऑप्शनल थी,
लेकिन ये जो रेट अपन ने पढ़ी है ये मैंडेटरी है, आपको लेनी ही पड़ेगी। ये जो रेट है ये आपको लेनी पड़ेगी। और एक और चीज समझना, जब भी आप स्पेशल रेट्स की बात करते हो, स्पेशल रेट्स के सामने कभी भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता। जो बेसिक एग्जेम्पशन होती है 2.5 लाख वगैरह, उसका बेनिफिट नहीं मिलता स्पेशल रेट्स के सामने। लेकिन एक चीज दिमाग में डाल देना, बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिल जाता एक तो 112A के सामने, 112LTCG के सामने एंड 111A के सामने इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएल। देखो हर स्पेशल रेट्स की इनकम के सामने बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलता, एक्सेप्ट तीन चीजों का एक्सेप्शन है। एक तो 112A वाला करके ठीक है, दूसरा 112 वाला जो LTCG होता है, और तीसरा तुम्हारा 111A वाला STCG। बट इन स्पेशल रेट्स के सामने भी जो बेसिक एग्जेम्पशन का अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ किसको मिलता है, रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएल को, बाकी को नहीं मिलता। अब एक और चीज समझना, कुछ स्पेशल रेट्स है जो के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो उसमें एक सेक्शन है 115BA। 115BA इज नॉट इंपॉर्टेंट और आज की डेट में, क्योंकि ये सेक्शन बहुत पहले आई थी करके, ठीक है, 2016 के करीब उन्होंने आई थी। उन्होंने बोला कि कुछ ऐसी कंपनी है, अगर कंपनी चाहे तो अपनी इनकम पे सिर्फ 25% टैक्स पे कर सकती है। देखो आज ऐसे भी कंपनी के केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में 25% ही लगता है अगर टर्नओवर तुम्हारा 16-17 का अप टू 250 करोड़ है, ठीक है। लेकिन ये जो सेक्शन है ये बड़ी ही खतरनाक सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि डोमेस्टिक कंपनी है, वो डोमेस्टिक कंपनी है, अपनी इनकम पे 25% टैक्स पे कर सकती है। स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा, अदर इनकम पे 25% की रेट से टैक्स बढ़ सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि कंपनी रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। दूसरी कंडीशन, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन यह है कि कंपनी डिडक्शन नहीं ले रही, किसका, 10AA का डिडक्शन नहीं लेना चाहिए, 32AD का इन्वेस्टमेंट अलाउंस का डिडक्शन नहीं लेना चाहिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मत लो, 33AB ABA का डिडक्शन मत लो, 35AD का डिडक्शन मत लो, 35(1)(2) जो साइंटिफिक रिसर्च में हायर डिडक्शन 150-125% मिलता था वो भी मत लो करके, ठीक है। एज वेल एज आप 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, 35CCD जो आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, वो भी डिडक्शन आप मत लो करके, ठीक है। एज वेल एज चैप्टर 6 में जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो भी मत लो करके, ठीक है, एक्सेप्ट 80JJAA। मतलब ये डिडक्शन नहीं ले रहे, ये बेनिफिट नहीं ले रहे, ये बेनिफिट लेते हो तो फिर 25% का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और एक और चीज समझना, आपको रिटर्न फाइलिंग फाइल से पहले पहले ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लेकिन ये ऑप्शन एक बार आपने एक्सरसाइज कर लिया तो जिंदगी भर इस ऑप्शन से आप बाहर नहीं आ सकते। मैं बता दूं प्रैक्टिकल लाइफ में ये सेक्शन है वो आजकल कोई ले नहीं रहा है, बट ये सेक्शन एक है करके। नेक्स्ट सेक्शन 115BB बोलती है कि भैया विनिंग की जो इनकम होती है आपकी, विनिंग की इनकम पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा, फ्लैट 30% की रेट से टैक्स है। विनिंग दोनों टाइप की, एक तो लॉटरी की विनिंग एज वेल एज द आपकी जो हॉर्स रेसेस से रिलेटेड वगैरह विनिंग होती है उस पे भी आपको 30% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा। 115BBE जो सेक्शन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो आपको पता है एक सेक्शन जो थी, जो अपन ने लास्ट टू लास्ट रिविजन लेक्चर में बात की थी, सेक्शन 68 से लेके 69D तक। 68 आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है वो वाला अनएक्सप्लेन क्रेडिट करके, ठीक है, अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ऐसा होता है तो उस पर टैक्स जो लगता है वो आपको 60% से लगता है। एज वेल एज उस पर सरचार्ज भी 25% की रेट से लगेगा, और हेल्थ और एजुकेशन से ऐसे वो 4% से लगेगा। इफेक्टिव रेट है वो आपकी 78% टैक्स रेट लग जाएगी। और ये सबके लिए है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सबके लिए है, ये वाली और ऊपर जो विनिंग वाली थी वो। तो बेटा यहां पे आपको 60% टैक्स रेट, उस पर 25%, 60 का 25% 15%, टोटल विल कम टू द 75% प्लस आप 4% करोगे, 78% की रेट से आपको टैक्स है वो आपको टैक्स लग जाएगा करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, अगर सर अनएक्सप्लेन इनकम वगैरह है तो उसके सामने क्या हम बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं? आंसर इज नो। ये क्लियरली मना किया, आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो नहीं ले सकते एज वेल एज द करके, ठीक है। कोई दूसरे तुम्हारे लॉसेस है वो लॉसेस क्या आप ये अनएक्सप्लेन इनकम से वगैरह सेट ऑफ मार सकते हो? आंसर इज नो। क्लियरली लॉ मेकर्स ने मना किया, कोई दूसरे लॉसेज है वो इन इनकम से आप सेट ऑफ वगैरह भी नहीं मार सकते। नेक्स्ट सेक्शन 115BBF, दैट इज रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट। देखो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम पेटेंट नॉर्मली जो टैक्सेबल होती है वो रॉयल्टी नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्सेबल होती है, और आप उसमें ATQQB RRB एक डिडक्शन होता है बुक्स और पेटेंट पे, वहां आप डिडक्शन ले सकते हो। लेकिन ये एक स्पेसिफिक सेक्शन है। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर मान लो आपने रॉयल्टी मिल रही है वो पेटेंट पे मिल रही है, और पेटेंट आपने इंडिया में डेवलप किया है, पेटेंट आपने इंडिया में डेवलप किया, इसका मतलब यह है कि पेटेंट पे जो खर्चा किया उसका 75% एक्सपेंडिचर है वो आपने इंडिया में किया है। पेटेंट पे जो आपने खर्चा किया है, मतलब जो डेवलपमेंट पे जो खर्चा किया, डेवलपमेंट कॉस्ट है उसका 75% और मोर अगर आपने इंडिया में स्पेंड किया है तो उसको मैं ये बोलूंगा कि आपने इंडिया में पेटेंट है वो डेवलप किया है करके, ठीक है। दूसरी चीज इसमें यह है कि भैया ये जो है, ये जो आपने खर्चा किया है
उसका आपने कहीं भी डिडक्शन, सॉरी नो डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अलाउंस इन रेस्पेक्ट रॉयल्टी इनकम शैल बी अलाउड अंडर द एक्ट, मतलब जो भी तुम्हारे रॉयल्टी है वो रॉयल्टी ग्रॉस रॉयल्टी 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगा, उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक और चीज समझना, इसमें जो रेजिडेंट पर्सन है वही इसका डिडक्शन ले सकता है। अगर मान लो ये जो बेनिफिट लेना है 115BBF वाला कि रॉयल्टी पे 10% टैक्स भरना है, ये सिर्फ रेजिडेंट पर्सन है वही भर सकता है। रेजिडेंट पर्सन है वो पेटेंटी होना चाहिए, अंडर द इंडियन पेटेंट एक्ट जो 1970 है उसके हिसाब से पेटेंटी होना चाहिए। एक और चीज समझना, ये ऑप्शन आप अपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको लेना पड़ता है कि हम रॉयल्टी इनकम को जो है 115BBF में 10% की रेट से टैक्स भरना चाहते हैं। एक और चीज समझना, अगर आपने ये एक बार ले ली सेक्शन तो अगले 5 साल तक आप इससे बाहर नहीं आ सकते। अगर अगले 5 साल में से किसी भी साल में आपने नहीं ली तो जिस साल में नहीं ली उसके अगले 5 साल तक वापस आप ये सेक्शन नहीं ले सकते। जो फालतूगिरी हमने 44AD में पढ़ी थी वैसी की वैसी फालतूगिरी यहां पर भी आपकी लग जाएगी। तो देखो कुल मिला के सेक्शन को अगर रिवाइज कराओ, 115BBF ये बोलती है कि आपने अगर इंडिया में पेटेंट डेवलप किया है 75% और मोर एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट का इंडिया में अगर आपने इंकर किया है तो उस केस में आपकी रॉयल्टी है वो रॉयल्टी 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाएगी। आप कंडीशन यहां पे ये है कि 75% और मोर है वो एक्सपेंडिचर इंडिया में इंकर करना चाहिए। दूसरी चीज, पर्सन रेजिडेंट होना चाहिए, पेटेंटी होना चाहिए पेटेंट एक्ट के हिसाब से करके, ठीक है। और इस रॉयल्टी के सामने आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेंगे, मतलब इस रॉयल्टी के सामने आपका डिडक्शन RRB वगैरह ले सकते हो? आंसर इज नो। यहां पे आप वो RRB 80RRB का डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट सेक्शन 115BBG। 115BBG ये बोलती है कि हर SSC पे लगेगी, और ये सेक्शन बोलती है कि अगर आपने कार्बन क्रेडिट बेचा, कार्बन क्रेडिट को ट्रांसफर करने पे आपको कोई भी इनकम होती है वो 10% की रेट से टैक्सेबल हो जाती है। बाकी वाली स्पेशल रेट्स है वो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करवा चुका हूं अलग अलग टॉपिक में, जैसे 112, 112A एंड 111 है वो हम कैपिटल गेन में डिस्कस की थी, 115BBD, BBDA है वो मैंने डिविडेंड टॉपिक में डिस्कस की थी, 115BB जो सी है वो हमने ट्रस्ट टॉपिक में डिस्कस की थी। अब एक और चीज समझना, ये हमने जो अभी टैक्स रेट पढ़ी जो लाइक रॉयल्टी पे वगैरह जो ये चीजें पढ़ी एज वेल एज जैसे विनिंग है या फिर मैंने अभी कार्बन क्रेडिट वाला बताया, ये जो सेक्शंस पढ़ी उससे रिलेटेड कुछ मैं आपको नोट्स बता दूं। पहली चीज तो ये इनकम ग्रॉस बेसिस पे टैक्सेबल होगी, उसके सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, एज वेल एज द चैप्टर 6A का डिडक्शन है वो भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहां पे इंडेक्स बेनिफिट मिल जाएगा। अगर मान लो अब कहीं कैपिटल गेन की बात हुई है, ये वाली स्पेशल रेट्स जो अपन नॉन रेजिडेंट को छोड़ के जो सबके लिए लग रही है उसमें अगर मान लो कहीं कैपिटल गेन है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF के केस में ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं 112 में, 112A में और 111A में रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकता है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5 जो है आपका, दैट इज द टैक्सेशन ऑफ द GDR। GDR का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं, देखो इंडियन कंपनी है वो डायरेक्ट इंडिया के बाहर शेयर इशू नहीं कर सकती वगैरह, तो उसमें क्या होता है कि वो ओवरसीज बैंक होती है उसको अंडरलाइन करती है शेयर्स को और उसके बदले वो GDR इशू करती है। आप ऑलरेडी SFM में ये चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। तो देखो अब GDR पे टैक्सेशन क्या होता है तो समझने की कोशिश करना। एक तो सेक्शन अपन ने 115AC अभी पढ़ी थी स्पेशल रेट में, और वहां पे मैंने बताया था कि जो भी ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट रहती है इंडियन कंपनी का, जो GDR रहता है और इंडियन कंपनी का जो नोटिफाइड बॉन्ड है 115AC में नोटिफाइड वो वाले बॉन्ड्स के केस में और GDR के केस में अगर नॉन रेजिडेंट को इनकम होती है LTCG हुआ 10% और इंटरेस्ट आया वो भी 10% की रेट से टैक्सेबल होता है। अब एक और चीज समझना, GDR से रिलेटेड अपन एक गेन में भी पॉइंट पढ़ते हैं सेक्शन 47 में, और 47 क्या बोलती है, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। और उसमें एक पॉइंट अपन ने ये पढ़ा था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया के बाहर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को अगर GDR ट्रांसफर कर देता है तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगता। तो अगर कोई एक नॉन रेजिडेंट है वो किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को GDR ट्रांसफर करता है इंडिया के बाहर तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगता है। उसके चीज में उसके बाद में एक और चीज समझना, सेक्शन 47 में मैंने आपको एक और पॉइंट पढ़ाया था और ये अमेंडमेंट है इसी साल से, और मैंने बताया था कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट, और नॉन रेजिडेंट क्या करता है जो GDR है वो GDR इंडिया के IFSC में जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है, इंडिया के IFSC में, IFSC का मतलब होता है यहां पे इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर जो गांधीनगर गुजरात के पास में है करके, ठीक है। तो अगर कोई नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, इंडिया के रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के IFSC में अगर कोई भी GDR ट्रांसफर की तो उस केस में अगर उसको कंसिडरेशन फॉरन करेंसी में मिल रहा है तो वो भी ट्रांसफर नहीं माना जाता, उस पर भी कैपिटल गेन नहीं लगता। तो देखो दो चीजें मैंने आपको बताई, कि नॉन रेजिडेंट है वो नॉन रेजिडेंट ने किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर अगर GDR ट्रांसफर की तो वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगता। लेकिन एक चीज समझना, नॉन रेजिडेंट ने रेजिडेंट को ट्रांसफर की कैपिटल गेन लगेगा, या रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को ट्रांसफर की कैपिटल गेन लगेगा, रेजिडेंट ने रेजिडेंट को की कैपिटल गेन लगेगा, नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को इंडिया के बाहर की तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा, या नॉन रेजिडेंट ने IFSC में रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर GDR ट्रांसफर की तो उस केस में वो ट्रांसफर नहीं माना जाता, कैपिटल गेन नहीं लगेगा अगर कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में रिसीव हुआ है तो। लेकिन एक बात समझना, GDR जो होती है
उसके पास ऑप्शन होता है कि जीडीआर को वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है। जो जीडीआर है वो जीडीआर को वो शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकता है, और शेयर में कन्वर्ट कराने के लिए उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को कि मेरे को जीडीआर के बदले शेयर्स दे दो, तो उस केस में कैपिटल गेन लगेगा। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने क्या किया, मान लो अगर वो जीडीआर को शेयर्स में कन्वर्ट करवाना चाहता है तो कन्वर्जन के टाइम पे उसको कैपिटल गेन लगेगा। अब एक चीज समझना, उसके पास से जाएगा क्या जीडीआर, आएगा क्या शेयर्स। अब एक चीज समझना, जब शेयर्स आएगा तो ऑब्वियसली फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगा, एफएमवी ऑफ द शेयर्स, FMV of the shares full value of consideration आएगा। लेकिन यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सर FMV कौन सी डेट की लेंगे, जिस दिन उसको शेयर्स अलॉट हुए उस दिन की GDR के बदले, या फिर जिस दिन उसने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट किया था उस दिन का। ध्यान रखना, जिस दिन उसने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट किया था, जिस दिन उसने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट किया था उस दिन का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, दैट फेयर मार्केट वैल्यू विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और GDR का जो कॉस्ट था वो कॉस्ट रहेगा, वहां पर कैपिटल गेन लग जाएगा। और जब भी आगे जाके वो शेयर्स को बेचेगा तो शेयर्स पे भी उसको कैपिटल गेन लगेगा करके मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, वो आप ध्यान रखना करके, ठीक है। अब एक और चीज समझना, जो शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग लोगे, वो शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग भी उस दिन से लोगे, अलॉटमेंट की डेट से नहीं, उस दिन से लोगे जिस दिन उसने रिडम्पशन का रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद का ही शेयर्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो आपका आएगा करके। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस, मैंने एक एग्जांपल दे रखा, आप एक बार समझ लेना। टॉपिक नंबर 6, और टॉपिक नंबर 6 मैंने देखा अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब एक बात समझना, ये अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग क्या होता है। मेनी टाइम्स होता है, ये पहले ये टॉपिक सिर्फ नॉन रेजिडेंट के लिए लाया था कि नॉन रेजिडेंट है, उसको इंडिया में पता नहीं इंडिया में उसके साथ क्या हो सकता है, उस पर टैक्स कैसे लगेगा, क्या लगेगा, उसके लिए वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में रिक्वेस्ट कर सकता है ये जो है, और एडवांस में रूलिंग ले सकता है। एडवांस रूलिंग मतलब एडवांस में जजमेंट लेना, ऐसा कर सकते। जैसे अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग में कंसेप्ट पढ़ा था अप्पा करके, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, वैसा ही एक कंसेप्ट होता है एडवांस रूलिंग, दैट इज अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। अब एक चीज समझना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में आप कब अप्लाई कर सकते हो, या तो आप ट्रांजेक्शन करने वाले हो या ट्रांजेक्शन आप कर चुके हो, या तो ट्रांजेक्शन करने वाले हो या ट्रांजेक्शन आप कर चुके हो तो भी आप अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकते हो। लेकिन सर क्वेश्चन ये आता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन कौन कर सकता है? तो मैं बता दूं, 5 लोग ऐसे हैं जो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओनली 5 पीपल कैन मेक एन एप्लीकेशन टू अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। सबसे पहला, इफ एनी पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट है वही अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास एप्लीकेशन कर सकता है। नॉन रेजिडेंट कौन से ईयर में होना चाहिए? जैसे मान लो मैं आज एप्लीकेशन कर रहा हूं, तो सर इस साल तो मुझे पता ही नहीं मैं नॉन रेजिडेंट हूं या नहीं, तो नॉर्मली लास्ट ईयर देखा जाता है, लास्ट ईयर में वो नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। तो नॉन रेजिडेंट पर्सन अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। दूसरा, रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, अगर कोई रेजिडेंट पर्सन है वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जा सकता है। नॉन रेजिडेंट की टैक्स लायबिलिटी से रिलेटेड वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में जा सकता है। तीसरा, कोई भी रेजिडेंट पर्सन भी जा सकता है जो अपनी टैक्स लायबिलिटी पता करना चाहता है और उसने जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ज्यादा का है। तो देखो, पहला नॉन रेजिडेंट जा सकता है, दूसरा रेजिडेंट जा सकता है नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे, तीसरा रेजिडेंट जा सकता है जो ट्रांजैक्शन कर रहा है वो 100 करोड़ से ज्यादा कर रहा है, और चौथा जो है नोटिफाइड पर्सन, और अभी तक एक ही नोटिफाइड पर्सन है, दैट इज द पब्लिक सेक्टर कंपनी। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, वो भी तुम्हारे एडवांस रूलिंग के पास जा सकती है। और पांचवा, कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जा सकता है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास, ये पूछने के लिए कि वो कोई अरेंजमेंट जो कर रहा है, कोई भी अगर मान लो अरेंजमेंट कर रहा है, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करने वाला है, वो कहीं इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है एज पर द गार, जो गार टॉपिक तो कहीं नहीं लग जाएगा उसको करके, ठीक है। तो ये पूछने के लिए वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकता है। तो मैं आपको बोलूं, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास कितने लोग जा सकते हैं? 5। सबसे पहला नॉन रेजिडेंट जा सकता है, दूसरा रेजिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट जा सकता है, तीसरा ऐसा रेजिडेंट पर्सन जो ट्रांजैक्शन कर रहा है 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है वो जा सकता है, चौथा पब्लिक सेक्टर कंपनी जा सकती है, और पांचवा कोई भी रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट जो ये पता करने के लिए कि वो ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो ट्रांजेक्शन कहीं इंपरमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट में तो नहीं आ पाएगा, कहीं गार तो नहीं लग जाएगा, ये पता करने के लिए वो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में जा सकता है। अब एक और चीज समझना, सर आपको अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास में अगर आपने एप्लीकेशन की, क्या उसको विड्रॉ कर सकते हैं? आंसर इज यस, उसको आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन विड्रॉ 30 डेज के अंदर अंदर करना पड़ता है। 30 डेज एप्लीकेशन की डेट से आपको 30 डेज के अंदर अंदर विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 30 डेज के बाद भी कर सकते हैं अगर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग परमिट करती है तो। एक और चीज समझना सर, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको क्वाड डुप्लीकेट कॉपीज में करना पड़ेगा। क्वाड डुप्लीकेट का मतलब होता है चार कॉपीज में आपको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। एक और चीज समझना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जब आप एप्लीकेशन करते हो तो फीस क्या रहती है? तो देखो, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो नोटिफाइड कंपनी है वो अगर एप्लीकेशन करेगी तो उसके इसमें 10,000 का फीस रहेगा, बाकी अगर आप ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रांजैक्शन अगर आपका अप टू 100 करोड़ है तो 2,00,000 का फीस, 100 करोड़ से ज्यादा और अप टू 300 करोड़ है तो आपका 5,00,000 का फीस, और अगर 300 करोड़ से भी ज्यादा है तो 10,00,000 रुपीज का फीस है वो आपको लगेगा करके, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है नोटिफाइड में उसको कितना, 10,000 का फीस, अदरवाइज
अगर आपका जो ट्रांजेक्शन वैल्यू, जिस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड आप जा रहे हो, वो ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर आपका अप टू 100 करोड़ है तो 2,00,000 करोड़ से लेके ऊपर, और आपका 300 करोड़ तक है तो 5 लाख, और 300 करोड़ से ज्यादा है तो 10 लाख रुपीज का फीस लगेगा। अब एक और चीज समझना, जैसे ही अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको यहां पे दो तीन चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास आप एप्लीकेशन तभी कर सकते हो जब आपका केस कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए, मतलब जिस इशू से रिलेटेड आप एप्लीकेशन कर रहे हो वो इशू कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए। मतलब वो इशू ना तो इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास पेंडिंग होना चाहिए, ना ही वो इशू आईटेट के पास पेंडिंग होना चाहिए, ना ही वो इशू सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग होना चाहिए या हाईकोर्ट के पास पेंडिंग होना चाहिए। मतलब दैट इशू शुड नॉट बी पेंडिंग विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी, आईटेट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अगर पेंडिंग है तो फिर वहीं पर सोल्व करवा दो, फिर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जाने की जरूरत क्या है। लेकिन एक चीज समझना, जो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जो गवर्नमेंट कंपनी है, उसका इशू सीआईटी, मतलब उसका इशू इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटेट के पास पेंडिंग है तो ही ये लोग जा सकते हैं। मतलब आई कैन से दैट, देखो अगर कोई भी एसएससी जा रहा है अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास तो उसका इशू पेंडिंग नहीं होना चाहिए विद द इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटेट, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग नहीं होना चाहिए। लेकिन बेटा यहां पे अगर मान लो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी जा रही है तो उसका इशू अगर इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटेट के पास पेंडिंग है तो वो लोग जा सकते हैं, ठीक है, मतलब हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास में पेंडिंग नहीं होना चाहिए। अब एक और चीज समझना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, लेकिन चार केसेस ऐसे हैं जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहली चीज, अगर आपका केस पेंडिंग है कहीं इनकम टैक्स अथॉरिटी के पास में या आईटेट के पास में, हाईकोर्ट के पास में, सुप्रीम कोर्ट के पास में, या फिर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है उसका अगर इश्यू पेंडिंग है कहां, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो उस केस में सीधा रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को। दूसरी चीज ये कि अगर मान लो आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ये पूछा है किसी प्रॉपर्टी की एफएमवी निकालने के लिए, आपने ये पूछा कि इस प्रॉपर्टी की एफएमवी निकाल दो, क्या अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का काम एफएमवी निकालना है? नहीं, ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर एफएमवी के डिटर्मिनेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उस केस में क्या होगा कि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग सीधा आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगी। तीसरी चीज समझना, अगर आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन किया है और वो एप्लीकेशन प्राइमा फेसिया, आप ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हो जो प्राइमा फेसिया अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स के लिए है, तो उस केस में भी वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। आपका अगर जो एप्लीकेशन किया और वो एप्लीकेशन में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अगर प्राइमा फेसिया है, वो आपका अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स से रिलेटेड है, तो उस केस में एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एक चीज समझना, इसमें दो एक्सेप्शन है। अगर आपने एप्लीकेशन या वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने किया है तो रिजेक्ट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपने एप्लीकेशन वो गार से रिलेटेड किया है, कि हमारा इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट तो नहीं है, अगर उससे रिलेटेड एप्लीकेशन है तो इवन दैट एप्लीकेशन इज फॉर द, ऐसा क्वेश्चन है जो प्राइमा फेसिया अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स से रिलेटेड है, तो भी वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मैं बता दूं, देखो चार केस में आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। सबसे पहला, अगर आपका केस आईटी अथॉरिटी के पास में, आईटेट के पास, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, या फिर दूसरा मैंने क्या बोला कि अगर जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसका केस हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है करके, ठीक है। तीसरी चीज, आपका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन इन्वॉल्व है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू से रिलेटेड। या चौथा, अगर मान लो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका प्राइमा फेसी अवॉइडेंस ऑफ द टैक्स से रिलेटेड है तो उस केस में, लेकिन उसमें दो एक्सेप्शन है, अगर पीएसयू जो है वो एप्लीकेशन करती है या फिर आपने एप्लीकेशन वो की है वो आईएए से रिलेटेड की है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है या नहीं है, तो उस केस में वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब क्वेश्चन ही आता है, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अपना जजमेंट कब तक सुनाएगी? तो वो अपना जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे, सुनाएगी विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एप्लीकेशन इज रिसीव्ड, सॉरी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब जिस डेट को एप्लीकेशन रिसिप्ट हुई उस डेट से 6 महीने के अंदर अंदर वो अपना रूलिंग है, वो अपना जजमेंट है, वो सुना देगी। और जजमेंट सुनाने के बाद एक कॉपी है, वो एक कॉपी किसको भेजेंगी? एसएससी को। और दूसरी कॉपी है वो सीआईटी, जो कंसर्न सीआईटी पीसीआईटी रहेगा उसको भेजी जाएगी। एक और चीज समझना कि यहां पे सर जो रूलिंग है वो रूलिंग किस किस पे बाइंडिंग होगी, मतलब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने जो जजमेंट दिया वो किस किस पे बाइंडिंग होगा? तो सीधी सी बात है, एक तो एसएससी पे बाइंडिंग होगा जिसने रूलिंग लिया है, दूसरा इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा अप टू द लेवल ऑफ द सीआईटी, और तीसरा वो वाले ट्रांजैक्शंस पे बाइंडिंग होगा जिस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से आपने जजमेंट लिया है। तो पहला तो एसएससी पे बाइंडिंग होगा, दूसरा इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा, और तीसरा वो ट्रांजैक्शंस पे बाइंडिंग होगा जिन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से जजमेंट लिया है। इसमें एक और चीज समझने की कोशिश करना कि सर आप बोल रहे हो आईटेट पे बाइंडिंग होगा कि नहीं? देखो आईटेट पे बाइंडिंग नहीं होगा, मैंने बोला इनकम टैक्स अथॉरिटी पे बाइंडिंग होगा, एसएससी पे बाइंडिंग होगा, एंड वो वाले ट्रांजैक्शंस पे बाइंडिंग होगा जिस ट्रांजैक्शंस से रिलेटेड आपने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग से जजमेंट लिया है। क्या ये आईटेट पे बाइंडिंग होगा? नहीं। लेकिन एक चीज समझना सर, अगर पीएसयू जो है वो तो आईटेट में केस पेंडिंग है, वो इशू पेंडिंग है, तो भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के पास जा सकती है? आंसर इज यस।
तो सर मान लो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसका केस इनकम टैक्स अथॉरिटी या आईटेट के पास पेंडिंग है और उन्होंने अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग में गए, जा सकते हैं, जा सकते हैं, वो तो जा सकती है। अब एक बात बताओ, जब तक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग अपना जजमेंट नहीं देती तब तक वो इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटेट जो है वो वेट करेगी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जजमेंट का। अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग के जजमेंट का वो वेट करेंगे कौन? इनकम टैक्स अथॉरिटी और आईटेट, अगर मान लो जहां पे भी केस पेंडिंग है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का। अगर जजमेंट आ गया तो देखो इनकम टैक्स अथॉरिटी पे तो वो बाइंडिंग होगा, लेकिन आईटेट पे बाइंडिंग होगा क्या? आंसर इज नो। आईटेट चाहे तो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट दे सकती है, आईटेट चाहे तो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट है वो दे सकती है। अब एक और चीज समझना, जो भी अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग है वो बाइंडिंग नहीं होगी अगर चेंज इन लॉ हो गया या चेंज इन फैक्ट। अगर आके जाके लॉ में चेंज हो गया, फैक्ट में चेंज हो गया, तो अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जजमेंट है वो बाइंडिंग नहीं होगा। एक और चीज समझना, अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग को अगर आगे जाके लग जाता है कि आपने जो रूलिंग लिया है वो आपने फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से लिया है, फ्रॉड करके या मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट से लिया है, तो उस केस में वो उस रूलिंग को वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर कर सकते हैं। वॉइड एब इनिशियो का मतलब क्या होता है कि जब दिया था तब से वो इनवैलिड उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना कि सर अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे बनता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी होती है यहां पे अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक चेयरमैन रहता है, एक तुम्हारा वाइस चेयरमैन रहता है, एक रेवेन्यू मेंबर और लॉ मेंबर। और हमेशा जब भी जजमेंट जाता है तो तीन लोगों की बेंच, मिनिमम तीन लोगों की बेंच होती है, या तो चेयरमैन वाइस चेयरमैन दोनों में से एक, इसके साथ साथ में एक रेवेन्यू मेंबर और एक तुम्हारा लॉ मेंबर है वो रहता है। इसमें एक और चीज समझना, जो चेयरमैन है उसकी मैक्सिमम एज है वो 70 ईयर्स की रहेगी, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स है उनकी 67 ईयर्स की रहेगी, और किसी का भी टेन्योर है वो 5 ईयर्स से ज्यादा है वो नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन ही आता है सर चेयरमैन कौन बन सकता है, तो मैं बता दूं अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग का जो चेयरमैन है वो चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जो जज रह चुका है या किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस रह चुका है, मतलब सीजे रह चुका है किसी हाई कोर्ट का, तो सीजे रह चुका है किसी हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है वो, या फिर 7 इयर्स के लिए हाई कोर्ट का जज रह चुका है। देखो मैंने क्या बोला कि या तो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका है या फिर हाई कोर्ट का सीजे रह चुका है या हाई कोर्ट का 7 इयर्स तक जज रह चुका है, वो क्या बनेगा? चेयरमैन बनेगा। वाइस चेयरमैन कौन बनेगा? जो तुम्हारा हाई कोर्ट का जज रह चुका है। सर ये रेवेन्यू मेंबर कौन बनेगा? जो सीबीडीटी सीबीएसई का ऑफिसर रहेंगे उसमें से रेवेन्यू मेंबर बनेंगे। और लॉ मेंबर है वो कौन बनेगा? कि जो एडिशनल सेक्रेटरी गवर्नमेंट में, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे अगर जो रहा है करके, ठीक है, तो वो बंदा एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए जो बंदा है वो बंदा यहां पे लॉ मेंबर बनेगा। अब एक और बात समझना, इसका जो लोकेशन है वो दिल्ली में है और इसकी बेंचेस कहीं और भी लग सकती है, जैसे मुंबई बेंच भी ये लोग लगा सकते हैं। अब जब भी वैकेंसी होती है चेयरमैन की, अगर डेथ हो गई, ठीक है, या चेयरमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया, या किसी भी अगर चेयरमैन पद की वैकेंसी हो गई, तो जब तक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं होता तब तक जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन था वो चेयरमैन का कार्यभार संभालेगा। मतलब जो चेयरमैन की ड्यूटी है वो कौन, वहां ड्यूटी का निर्वहन कौन करेगा, उसका कार्यभार कौन संभालेगा? जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो संभालेगा। एक और चीज समझना, अगर चेयरमैन कभी छुट्टी पे चला गया करके, चेयरमैन है वो चेयरमैन कहां पे चला गया? छुट्टी पे चला गया, तो जो सीनियर मोस्ट वाइस चेयरमैन है वो उसका कार्यभार संभालेगा छुट्टी के केस में। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। चलो, सो दिस इज completion of your topic authority of advance ruling. Yes people, next topic jo hai to that is the residential status and scope of total income. तो ये वाला टॉपिक भी रिवाइज कर लेते हैं। अभी ये तो आईपीसीसी में आपने पढ़ा हुआ है ढंग से, बट चलो कोई बात नहीं, इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। आईपीसीसी का हमको सर कुछ याद नहीं है करके, ठीक है, और इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं कहां से क्वेश्चन पूछे, और अब तो एमसीक्यूज है तो कहीं से भी पूछ सकती है। इसके लिए इस क्वेश्चन को भी मैंने इस बार एग्जॉस्टिव कवरेज किया है। सबसे पहली चीज ये रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल की। देखो दो बेसिक कंडीशन होती है, दो एडिशनल कंडीशन होती है। पहली बेसिक कंडीशन ये बोलती है कि वो इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया फॉर द 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। और सेकंड बेसिक कंडीशन बोलती है स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है, बेसिक कंडीशन कौन सी है? पहली बेसिक कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर द 182 डेज और मोर इन द प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन द लास्ट फोर प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंडिविजुअल है वो क्या बन जाएगा? रेजिडेंट। और अगर एक भी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो क्या बन जाएगा? नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट बन गया तो यू हैव टू चेक दैट वो पर्सन रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है। एक चीज समझना, दो एडिशनल कंडीशन है। पहली एडिशनल कंडीशन यह है कि
रेजिडेंट इन इंडिया फॉर टू ईयर्स, टू प्रीवियस ईयर और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, मतलब पीछे के 10 साल में एटलीस्ट 2 साल या उससे ज्यादा इंडिया में रेजिडेंट रहा है. क्या बोला मैंने, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द टू ईयर्स और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, टू ईयर्स और मोर इन द लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल इंडिया में रेजिडेंट रहा है, 2 साल और उससे ज्यादा इंडिया में रेजिडेंट रहा है, मतलब इंडिया में एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की है लास्ट के 10 में से किसी भी 2 साल या उससे ज्यादा. ठीक है, अब एक और चीज समझना, उसके साथ में सेकेंड एडिशनल कंडीशन यह है कि स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन द लास्ट 7 प्रीवियस ईयर. ये दोनों एडिशनल कंडीशन भी अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंडिविजुअल बन जाएगा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, अदरवाइज क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. तो देखो, एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड की तो रेजिडेंट, अगर नहीं सेटिस्फाइड की तो नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट बन गया तो गोज टू बाय ऑयल, मतलब तेल लेने गया, तेल लेने गया, गोज टू बाय ऑयल. अगर वो रेजिडेंट बन गया तो यू हैव टू चेक आर एंड ओ आर है या आर बट एन ओ आर है. अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड की तो आर एंड ओ आर, अदरवाइज क्या बन जाएगा, आर बट एन ओ आर. अब एक और चीज है ना, जिस दिन वो इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया से जाता है वो दोनों दिन इंडिया में रहेगा ऐसा काउंट माना जाएगा. मतलब जिस दिन इंडिया में आता है और जिस दिन इंडिया से जाता है वो दोनों दिन इंडिया में माने जाएंगे. अब एक और चीज है ना, यहां पे दो बेसिक कंडीशन थी, एक तो तुम्हारा 182 डेज वाला, एक ये 60 डेज और मोर इन द लास्ट 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर. बेटा तीन केस ऐसे हैं जिसमें ये सेकंड बेसिक कंडीशन पे देखने की जरूरत नहीं, सेकंड बेसिक कंडीशन पे हाथ लगा लो. ये जो सेकंड बेसिक कंडीशन है ये देखने की जरूरत नहीं, मतलब फर्स्ट सेटिस्फाइड हुआ तो ही रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. ये तीन केस कौन कौन से समझने की कोशिश करना. सबसे पहला, अगर इंडियन सिटीजन है, दैट इज इंडियन सिटीजन, लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. कोई इंडियन सिटीजन है जो इंडिया के बाहर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है पता, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है इस साल में, तो उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. दूसरा, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, मतलब कोई इंडियन शिप है वो इंडियन शिप का क्रू मेंबर है और वो इंडिया के बाहर जा रहा है इस साल में करके, ठीक है, तो उसके लिए भी सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी है, इंडियन सिटीजन होना चाहिए. तीसरी कंडीशन ये बोलती है, तीसरा केस ये बोलता है कि अगर इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन कम्स इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन विजिट, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए अगर इंडिया में आ रहा है इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन, वो विजिट के लिए इंडिया में आ रहा है, तो इन तीन केसेस में, पहला क्या बोला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, और इंडियन सिटीजन लीव इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ द इंडियन शिप, और इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजन कम्स इन इंडिया फॉर एन विजिट, तो उसके केस में आपको सेकंड बेसिक कंडीशन देखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो रेजिडेंट, अदरवाइज वो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट. यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस. अब एक और चीज समझना आप लोग, एक यहां पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि अगर मान लो कोई ऐसा पर्सन है जो लाइक क्रू मेंबर है फॉरेन गोइंग शिप का, फॉरेन गोइंग शिप मतलब ऐसी शिप जो इंडिया के बाहर जा रही है, ठीक है, इंडिया के बाहर जा रही है, इंडिया के बाहर से अंदर आ रही है, उस केस में जो फॉरेन गोइंग शिप होती है उसके केस में क्या होता है कि बेटा जिस दिन उसने वो फॉरेन को, वो शिप को ज्वाइन किया, जिस दिन फॉरेन को ज्वाइन किया, वो शिप को ज्वाइन किया बेसिकली, जो इंडिया के बाहर, जैसे मान लो आई कैन टेक वन एग्जांपल, मुंबई से एक शिप है वो यूएसए जा रही है, आज मुंबई से निकली लेकिन चेन्नई पहुंची 10 दिन में, चेन्नई रही फिर उसके बाद है वो बाहर गई फिर वापस आई, तो क्वेश्चन ये आता है कि जो उस पे क्रू मेंबर थे उनका इंडिया में पीरियड ऑफ मतलब कितने दिन इंडिया में माना जाएगा, कितने दिन बाहर, ऑब्वियसली टेरिटोरियल वाटर क्रॉस किया तब तक इंडिया में माना जाएगा, लेकिन यहां पे इन्होंने क्लेरिफाई किया है, इन्होंने क्लेरिफाई किया कि अगर मान लो फॉरेन गोइंग शिप है जो इंडिया के बाहर जा रही है तो उस केस में जिस दिन उसका एक कंटिन्यूड ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है करके, ठीक है, जो मरीन लॉ है उसके हिसाब से एक डिस्चार्ज ड्यूटी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होता है, उसमें वो साइन जिस दिन करता है, मतलब जिस दिन वो ज्वाइन करता है उसकी डेट लिखी जाती है शिप को, और जिस दिन वो उसको छोड़ के आता है उस दिन की मतलब डेट लिखी होती है, वो दोनों पीरियड है, वो दोनों डेट, ठीक है, और उसके बीच का पीरियड वो इंडिया के बाहर उसका स्टे माना जाएगा. जैसे आई कैन टेक एग्जांपल, उसने आज शिप को ज्वाइन किया तो आज की डेट, और वापस मान लो उसने 3 महीने बाद है वो शिप को छोड़ा, तो वो दोनों दिन इंडिया के बाहर ही माने जाएंगे, और बीच वाला पीरियड है वो भी इंडिया के बाहर ही उसका स्टे माना जाएगा. अब एक और चीज समझना सर, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिसाइड होगा, तो एचयूएफ पे दो पार्ट, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि एचयूएफ का जो बिजनेस है वो कहां से होल्ली, कहां से कंट्रोल और मैनेज हो रहा है. अगर वो होल्ली और पार्टली इंडिया से कंट्रोल और मैनेज होता है तो एचयूएफ रेजिडेंट, अदरवाइज बन जाएगा नॉन रेजिडेंट. लेकिन इसमें एक और चीज समझना कि अगर एचयूएफ रेजिडेंट बन गया तो आपको देखना पड़ेगा एचयूएफ आर एंड ओ आर है या फिर आर बट एन ओ आर है. जो करता है वो करता अगर बोथ एडिशनल कंडीशन 6-6 वाली सेटिस्फाइड करता है, करता दोनों एडिशनल कंडीशन 6-6 वाली सेटिस्फाइड करता है तो वो एचयूएफ आर एंड ओ आर हो जाएगा, अदरवाइज वो एचयूएफ आर बट एन ओ आर हो जाएगा. अब एक और चीज समझना, फर्म एओपी बाय लोकल अथॉरिटी के केस में आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, इनके केस में क्या होगा, तो इनके केस में सिंपल सी बात है. देखो,
अगर बिजनेस होली और लाइक पार्टली कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट. अगर बिजनेस वगैरह जो है वो होली और पार्टली कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो रेजिडेंट, अदरवाइज क्या हो जाएगा? नॉन रेजिडेंट. इसमें फिर आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर नहीं होता. आर एंड ओ आर, आर बट एन ओ आर सिर्फ किसमें होता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में, बाकी में नहीं होता. अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कंपनी के कैसे है. सर, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे निकालेंगे? तो कंपनी दो तरह की हो सकती है, एक तो इंडियन कंपनी और एक अदर कंपनी. यू कैन से दैट द फॉरेन कंपनी. देखो, इंडियन कंपनी जो होती है वो ऑलवेज रेजिडेंट होती है. इंडियन कंपनी है वो ऑलवेज रेजिडेंट है, लेकिन फॉरेन कंपनी रेजिडेंट तभी होगी जब उसका पोयम इंडिया में है. अगर फॉरेन कंपनी का पोयम इंडिया में, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल है, वो अगर इंडिया में है तो फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट होगी, अदरवाइज रेजिडेंट नहीं होगी. ठीक है, तो देखो, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट, बीबी वर्चुअल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑलवेज रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है वो इंडिया की रेजिडेंट तभी बनेगी अगर उसका पोयम इंडिया में है. लेकिन पोयम का मतलब क्या होता है? पोयम का मतलब होता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, मतलब जहां से बिजनेस के की मैनेजरियल डिसीजन जहां से लिए जाते हैं वो प्लेस है, वो प्लेस ऑफ लाइक पोयम बन जाएगा. ठीक है, अगर वो इंडिया से की डिसीजन लिए जाते हैं तो इंडिया जो है वो पोयम बन जाएगा. और फॉरेन कंपनी के लिए अगर इंडिया पोयम बन गया तो उस केस में, इंडिया में अगर पोयम है तो वो इंडिया की रेजिडेंट कंपनी बन जाएगी, फॉरेन कंपनी इंडिया की रेजिडेंट बनेगी. देखो, कंपनी तो फॉरेन ही रहेगी, टैक्स रेट 40% लगेगी, बट इंडिया की रेजिडेंट बन गई तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लग जाएगा. लेकिन एक चीज समझना सर, पोयम कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहां पे कुछ पोयम के गाइडिंग प्रिंसिपल है. पोयम के गाइडिंग प्रिंसिपल है सर, ये पोयम के गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से है और मैं बता दूं, ये पोयम के जो गाइडलाइंस, जो प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ये आपको तभी फॉलो करने हैं जब उस कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है. अगर टर्नओवर कम है तो फिर असेसिंग ऑफिसर नॉर्मली डिसाइड करेगा, उसको ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है. लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल है वो तभी लगेंगे जब उस कंपनी का टर्नओवर है वो 50 करोड़ से ज्यादा है. अब एक बात समझना, ये पोयम के गाइडिंग प्रिंसिपल कौन कौन से है. देखो, दो चीजें मेरी तरफ देखो सब लोग, आपको यह देखना पड़ेगा कि एबीआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है या नहीं. एबीआई का टेस्ट का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. देखो, अगर किसी फॉरेन कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर हो रही है तो वो फॉरेन कंपनी है, उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा. क्या बोला मैंने, समझने की कोशिश करना. ठीक है, मैंने क्या बोला कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है उसका अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल हो रहा है, एबीआई टेस्ट का मतलब होता है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया टेस्ट, और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर होती है तो उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा, और जब पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा तो वो कंपनी इंडिया में क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट. लेकिन सर, एबीआई टेस्ट किसको बोलते हैं, किसको बोलेंगे एबीआई टेस्ट, कब एबीआई टेस्ट फुलफिल होगा? तो देखो, उसकी चार कंडीशन है. अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई तो मैं बोलूंगा कि उसका एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया फॉरेन कंपनी का. चार कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन कि पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फॉरेन कंपनी. मतलब जो उस कंपनी का इनकम है वो कंपनी का इनकम का पैसिव इनकम 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. मतलब पैसिव इनकम है वो 50% या उससे कम होना चाहिए. पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन द 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी. तो पहला मैंने क्या बोला, पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन द 50% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ दैट कंपनी. दूसरी कंडीशन ये है कि उसकी जो भी इंडिया में असेट है वो 50% से कम होनी चाहिए. इंडिया में जो एम्प्लॉई है वो 50% टोटल एम्प्लॉई से 50% से कम इंडिया में लाइक एम्प्लॉई होने चाहिए और रेजिडेंट इन इंडिया हो सकते हैं, मतलब रेजिडेंट इन इंडिया और सिचुएटेड इन इंडिया 50% से कम होने चाहिए. और चौथी कंडीशन यह है कि इंडिया में जो एम्प्लॉई है उनके लिए जो पेरोल का खर्चा है वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के 50% से कम होना चाहिए. अगर ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो मैं बोलूंगा कि फॉरेन कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया. एबीआई का मतलब एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया. तो समझने की कोशिश करना, देखो, एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी का एबीआई टेस्ट कब फुलफिल होगा? जब चार कंडीशन सेटिस्फाइड होगी. चार कंडीशन कौन कौन सी है सर, बता दो हमको. तो मैं बता दू, चार कंडीशन कौन कौन सी है मेरी तरफ देखो, चार कंडीशन कौन कौन सी है. सबसे पहली, इधर देखो, चार कंडीशन कौन कौन सी. सबसे पहली कंडीशन, पैसिव इनकम शुड नॉट बी मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम. इंडिया में असेट लोकेटेड है वो 50% से कम होनी चाहिए. इंडिया में जो एम्प्लॉय वो 50% से कम होने चाहिए. एम्प्लॉय इंडिया में सिचुएटेड होने चाहिए और रेजिडेंट होने चाहिए. और चौथी कंडीशन ये है कि जो इंडिया में एम्प्लॉय है उनके लिए जो पेरोल एक्सपेंडिचर है वो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर के 50% से कम होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो मैं बोलूंगा उसका एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया. अब एक चीज समझना, एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो उसका पोयम इंडिया के बाहर माना जाएगा, मतलब वो फॉरेन कंपनी इंडिया के लिए क्या बन जाएगी? नॉन रेजिडेंट. अब इसमें एक और चीज समझना, अगर मान लो मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर है, पेरोल एक्सपेंडिचर है, सॉरी मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग भी इंडिया के बाहर है, एबीआई टेस्ट भी फुलफिल हो रहा है, लेकिन अगर मान लो कंपनी के पास कोई डिसीजन मेकिंग का पावर नहीं है,
कंपनी जो है वो एकदम पंगू हो गई। पंगू मतलब कंपनी जो है वो कुछ कंपनी जो मैनेजमेंट कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास मैनेजमेंट का पावर ही नहीं है, कोई डिसीजन लेने का पावर ही नहीं है। और पूरे डिसीजन कौन ले रहा है पता है? इंडिया में बैठी कोई होल्डिंग कंपनी ले रही है या इंडिया में बैठा कोई पर्सन ले रहा है, तो उस केस में पोयम इंडिया में माना जाएगा। इवन एबीआई टेस्ट इज फुलफिल एंड मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग हेल्ड आउटसाइड इंडिया। समझने की कोशिश कर रहा हूं मैंने क्या बोला कि नॉर्मली अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया और मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है तो पोयम कहां माना जाएगा? इंडिया के बाहर। लेकिन अगर वो मैनेजमेंट के पास डिसीजन मेकिंग का पावर ही नहीं है, मतलब मैनेजमेंट का पावर, मैनेजमेंट जो है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो सेट असाइड हो गया है, उसके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं, एवरी डिसीजन इज टेकन बाय होल्डिंग कंपनी इन इंडिया, या फिर इंडिया में कोई पर्सन बैठा है वो ले रहा है, तो उस केस में बेटा उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा, फॉरेन में नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना सर, अपन बात कर रहे थे पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किसको बोलते हैं? पैसिव इनकम मतलब जो पैसिव सोर्सेज से होती है। देखो बिजनेस का इनकम एक एक्टिव इनकम होता है। पैसिव इनकम किसको बोलेंगे? जो आपका इंटरेस्ट का इनकम है, रॉयल्टी का इनकम है, डिविडेंड का इनकम है, कैपिटल गेन का इनकम है करके, ठीक है, या रेंटल इनकम है, वो तुम्हारा पैसिव इनकम में आ जाएगा। तो रॉयल्टी, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इंटरेस्ट इनकम और रेंटल इनकम है, वो तुम्हारे पैसिव इनकम में आएगा। लेकिन एक चीज समझना, इंटरेस्ट इनकम बैंकिंग कंपनी के लिए, जो बैंकिंग कंपनी है, पीएफआई है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह, उनके लिए इंटरेस्ट का इनकम है, वो एक्टिव इनकम हो जाएगा, वो पैसिव इनकम नहीं माना जाएगा। इसमें एक और चीज समझना, अगर आपने कोई भी जो गुड्स है उसको परचेज और सेल्स दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज को किया है, मतलब परचेज भी एसोसिएट से, सेल भी एसोसिएट को, तो आपका वो पैसिव इनकम बन जाएगा। मतलब ऐसी इनकम जिसमें परचेज भी एसोसिएट से हो रहा है, सेल भी एसोसिएट को हो रहा है, तो वो पैसिव इनकम हो जाएगी। अगर परचेज नॉन एसोसिएट से, सेल एसोसिएट से, तो एक्टिव इनकम। परचेज नॉन एसोसिएट से, सेल एसोसिएट को, तो भी तुम्हारी एक्टिव इनकम। लेकिन परचेज सेल दोनों टू और फ्रॉम अगर एसोसिएट है, तो उस केस में तुम्हारी वो कौन सी हो जाएगी? पैसिव इनकम हो जाएगी। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना आप लोग, यहां पे अगर, और आपको क्या बताने वाला था, यस, यहां पे ये गाइडलाइंस प्रिंसिपल को फॉलो करना है करके, ठीक है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि वो कंपनी का मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट अगर सेट असाइड हो जाता है, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर ही नहीं है डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, तो और इंडिया में बैठी कोई होल्डिंग कंपनी या इंडिया का कोई भी जो इंडिया में पर्सन बैठा है वो अगर डिसीजन ले रहा है, तो उसका पोयम इंडिया में माना जाएगा। लेकिन एक चीज समझना, बहुत बार क्या होता है, मल्टीनेशनल ग्रुप में जो सब्सिडरी कंपनी होती है, वो होल्डिंग कंपनी ने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल दे रखे, उसको फॉलो करती है। जैसे एचआर फंक्शन सब जगह एक जैसा ही रहता है करके, ठीक है, जो अकाउंटिंग सिस्टम है उसको फॉलो कर रही है, जो जो होल्डिंग कंपनी ने बोला हुआ है वो फॉलो कर रही है। तो सिर्फ ये अगर फंक्शन फॉलो कर रही है, जैसे एचआर फंक्शन वगैरह है वो अगर फॉलो करते हैं, या सप्लाई चेन फंक्शन है, या रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन प्रोसीजर है, ये अगर फॉलो कर रहे हैं, तो ये नहीं माना जाएगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो पंगू हो गया, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो पावर है वो सेट असाइड हो गया, ऐसा नहीं माना जाएगा। अब एक और चीज समझना, चलो सर अगर मान लो एबीआई टेस्ट हो गया, तो ऊपर बात कर ली अपन, देखो एबीआई टेस्ट फुलफिल हो गया, मेजोरिटी बोर्ड मीटिंग इंडिया के बाहर है, पोएम इंडिया के बाहर है। लेकिन अगर एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हुआ तो क्या होगा फिर? तो एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हुआ तो उसके बाद आपको दूसरी चीजें देखनी पड़ेगी। आपको यह देखना पड़ेगा सबसे पहले कि भैया डिसीजन है वो कौन ले रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिसीजन कौन ले रहा है। इस कंपनी का एबीआई टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा, बट इस कंपनी का डिसीजन ले कौन रहा है, आपको वो देखना पड़ेगा। उन लोगों को पहचानना पड़ेगा कि डिसीजन कौन ले रहा है और वो डिसीजन कहां से लिए जा रहे हैं, कहां पे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, कहां से वो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो आपको देखना पड़ेगा, और फिर वहां पे पोयम है वो बन जाएगा। मैंने कुछ यहां एग्जांपल दिए हैं, आपको देखना है तो देख लेना, अदरवाइज आपके एग्जाम के लिए सिर्फ जो एबीआई टेस्ट वाला जो पार्ट था वो आपको ढंग से एक बार देखना है। कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे वो आप आराम से देख सकते हो करके, ठीक है। चलो अब एक और बात समझ ला, अगर कोई फॉरेन कंपनी है वो पहले नॉन रेजिडेंट थी लेकिन पोयम की वजह से आज अगर रेजिडेंट बन गई, तो उस पर कुछ ट्रांजिशन मैकेनिज्म लगेगा, और ये ट्रांजिशन मैकेनिज्म में उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, आप अगर मेरा एक अमेंडमेंट लेक्चर देखोगे जिसमें आपके जो आरटीपी में ये पॉइंट दे रखा है, तो मैंने आपको आरटीपी का लेक्चर डाला है और न्यू केस लॉ, उसमें ये वाले पार्ट से रिलेटेड मैंने डिस्कशन किया है, तो आप उसमें देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और बात समझना, स्कोप ऑफ द टोटल इनकम, नया टॉपिक चालू होता है यहां से। स्कोप ऑफ टोटल इनकम आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, कोई अगर रेजिडेंट बन जाता है तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगता है, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है। अब एक बात समझना, इंडियन इनकम किसको बोलते हैं? इंडियन इनकम मतलब ऐसी इनकम जो इंडिया में या तो अक्रूड हुई है या डीम टू बी अक्रूड और अराइज हुई है, या फिर इंडिया में रिसीव्ड हुई है और डीम टू बी रिसीव्ड हुई है। मतलब इंडिया में अक्रूड होना या डीम टू बी अक्रूड होना और इंडिया में रिसीव्ड होना या डीम टू बी रिसीव्ड होना, उसको अपन इंडियन इनकम बोलेंगे। जो ऐसी इनकम जो इंडियन इनकम नहीं है वो तुम्हारी क्या हो जाएगी? फॉरेन इनकम। अब एक चीज समझना आप लोग, कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है? देखो रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल होती है। अब एक चीज समझना, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है।
फॉरेन इनकम तभी टैक्सेबल होगी अगर वो फॉरेन बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया था या फॉरेन प्रोफेशन वॉज सेटअप इन इंडिया। देखो आर बट एनओआर है उसके लिए इंडियन इनकम तो टैक्सेबल होगी होगी, फॉरेन इनकम सिर्फ वही वाली टैक्सेबल होगी जो इंडिया, जो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल होता है या प्रोफेशन इंडिया में सेटअप किया हुआ था पहले, मतलब प्रोफेशन वो सेटअप इन इंडिया और फिर बिजनेस इज कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, वही वाली इनकम है वो आर बट एनओआर के लिए टैक्सेबल होगी। एक और चीज समझना, एनआर के लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है करके, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर जो इंडिविजुअल एचओएफ को छोड़ के बाकी तो क्या होता है, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, तो रेजिडेंट के लिए पूरे वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल और नॉन रेजिडेंट के लिए सिर्फ इंडियन इनकम है वही टैक्सेबल होती है। अब ये एक बात समझना, यहां पे एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, दैट इज इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया। सर ऐसी कौन सी इनकम है जो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है वो मानी जाएगी? तो सबसे पहली चीज अपन समझते हैं सेक्शन 9 है, और सेक्शन 9 को थोड़ा आराम से समझेंगे। सेक्शन 9 बोलती है दैट इज द इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, और सेक्शन 9 के बहुत सारे क्लॉज है, क्लॉज नंबर 1, 2, 3, 4 क्लॉज है 9(1) के, 9 सबसेक्शन 1 के फिर क्लॉजेस में, दैट इज 1, 2, 3, 4। अब एक बात समझना, इसमें जो 1 क्लॉज है वो ये बोलता है कि इंडिया में अगर कोई बिजनेस कनेक्शन है, अगर नॉन रेजिडेंट वगैरह किसी का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन और बिजनेस कनेक्शन से अगर कोई इनकम होती है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा करके, ठीक है। दूसरी चीज, एनी प्रॉपर्टी और असेस और सोर्स इन इंडिया, अगर कोई इंडिया में प्रॉपर्टी है, इंडिया में सोर्स है, उसकी वजह से होता है, या इंडिया में कोई भी अगर मान लो कैपिटल असेट और इंडिया की कैपिटल असेट ट्रांसफर की किसी नॉन रेजिडेंट वगैरह ने, तो उसके लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। एक और चीज, सैलरी अर्न फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया, अगर मान लो कोई भी पर्सन है उसने सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी, आज भले वो इंडिया के बाहर लेकिन उसने सर्विस इंडिया में रेंडर्ड की थी और उसको सैलरी या फिर मान लो ग्रेच्युटी या पेंशन या कुछ भी मिलता है, वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। जैसे मान लो आई कैन टेक एग्जांपल, मैंने इंडिया में जॉब किया और उसके बाद में मान लो मैं फॉरेन में शिफ्ट हो गया और आज भी वो इंडियन एम्प्लॉयर से मुझे अगर मान लो पेंशन मिलता है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक और चीज समझना, जो भी सैलरी पे करती है गवर्नमेंट इंडियन सिटीजन को जो इंडिया के बाहर काम करते हैं, मतलब गवर्नमेंट है वो इंडियन सिटीजन को इंडिया के बाहर जो एम्बेसी वगैरह में काम करते हैं उनको जो सैलरी वगैरह पे करती है वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी, और इंडियन कंपनी अगर इंडिया के बाहर डिविडेंड देती है तो वो भी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। एक और चीज समझना, जो इंटरेस्ट है ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझने की कोशिश करना कि जो इंटरेस्ट है इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया में, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ये इंटरेस्ट वाला, रॉयल्टी वाला एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस वाला। देखो बेटा, अगर कोई नॉन रेजिडेंट वगैरह कोई भी पर्सन है उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, और इंटरेस्ट किससे मिलता है पता है, इंडिया में कोई पर्सन रेजिडेंट है उससे मिलता है या इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है करके, किससे मिलता है, इंडिया में कोई पर्सन रेजिडेंट है उससे मिलता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट से इंटरेस्ट मिलता है करके, ठीक है, तो वो या फिर किसी नॉन रेजिडेंट से मिलता है, किसको मिलता है, नॉन रेजिडेंट से मिलता है, और नॉन रेजिडेंट ने इफ मनी बोरोड एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड इन इंडिया। और दूसरी चीज, तो देखो सिंपल सी बात है, इधर देखो मेरी तरफ देखो, ए भाई इधर देखो, सिंपल सी बात, एक नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट को इंटरेस्ट मिल रहा है, समझना, किससे मिल रहा है, या तो कोई पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है उससे मिलता है या फिर इंडियन गवर्नमेंट से मिलता है या किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट से मिलता है और वो दूसरे नॉन रेजिडेंट ने वो वाला पैसा है वो किसी इंडियन बिजनेस और प्रोफेशन में यूज किया है। क्या बोला मैंने, इंडिया में बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज किया है, तो उस केस में वो उस पर्सन के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं चीजों को समझना, ठीक है, एक बंदा है लोबो जो कि यूएसए का है, लोबो ने मुझे लोन दिया बीबी सर को, मैंने उसको इंटरेस्ट दिया, बीबी सर रेजिडेंट पर्सन है इंडिया के, मैंने उसको इंटरेस्ट दिया लोबो को, लोबो के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। लोबो ने मोदी सरकार को इंटरेस्ट मतलब लोन दिया और उस पे जो इंटरेस्ट लोबो को मिला वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। लोबो ने जो यूएसए का उसने यूके के होबो को लोन दिया और यूके के होबो ने वो पैसा है ना वो इंडिया के किसी बिजनेस और प्रोफेशन में लगाया, तो बेटा होबो ने लोबो को जो इंटरेस्ट दिया वो भी लोबो के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब इसमें एक और चीज समझना आप लोग, वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट करके, ठीक है, समझने की कोशिश करना, अगर मान लो मैंने मैंने क्या किया, मैंने लोबो से लोन लिया, मैं रेजिडेंट पर्सन हूं, मैं लोबो को इंटरेस्ट दूंगा वो उसके लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है, लेकिन एक चीज समझना, मैंने जो पैसा है
वो पैसा इंडिया के बाहर किसी बिजनेस और प्रोफेशन में लगाया, क्या बोला मैंने, इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया करके, ठीक है, इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए मैंने उस पैसे को लगाया, तो उस केस में वो लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। तो एक्सेप्शन में देखो यहां पर क्या दे रखा है, इफ मनी बोरोड एंड यूज फॉर टेक्निकल सर्विस, ये दूसरी चीजों के लिए आएगा, नेक्स्ट पॉइंट के लिए आएगा, यार यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन आउटसाइड इंडिया, और फिर मनी बोरोड एंड यूज और टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी सर्विस यूटिलाइज फॉर द मेकिंग इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। एक बार और सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, और ये समझना क्योंकि एमसीक्यूज में वगैरह आपको घुमा सकते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करना। अपन पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट, नॉन रेजिडेंट लोगों, लोगों ने बीबी सर को लोन दिया और मैंने क्या किया पता है, मैंने उस लोन को अगर इंडिया में कहीं लगाया और मैंने उसको लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया है। लेकिन मैंने मान लो उस पैसे को पाकिस्तान में किसी बिजनेस में लगाया, क्यों करेगा नहीं पाकिस्तान जैसी कंट्री में बिजनेस, बट फॉर एन एग्जांपल मैंने पाकिस्तान में किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया और उसका इंटरेस्ट मैं लोगों को दे रहा हूं, क्या वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया लोगों के लिए माना जाएगा? आंसर इज नो। या फिर मैंने मान लो श्रीलंका में उसके श्रीलंका में कहीं इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस नहीं कर रहा हूं बट मैंने किसी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदे, श्रीलंका में मैंने इन्वेस्ट किया तो भी लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। दूसरी चीज, अगर मान लो लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को लोन दिया और गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। और तीसरा, अगर लोगों ने किसी होबो को दिया, होबो यूके का है, लोबो यूएसए का है, तो लोगों ने होबो को लोन दिया और होबो ने अगर वो पैसा इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में लगाया तो ही वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, इसी को दिमाग में रख के लेके एक और चीज समझना आप लोग। इधर देखो बेटा, मैं जो हूं मैं लोगों को रॉयल्टी देता हूं, समझना, लोगों से मैंने कुछ नोहा लिया, ठीक है, रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दोनों सेम ही चीज है तो मैं सेम ही लाइन में लेके चलूंगा। देखना मैं क्या कर रहा हूं, लोगों नॉन रेजिडेंट लोगों को मैं क्या दे रहा हूं, मैं लोगों को दे रहा हूं या तो रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विस, उससे नोहा वगैरह मैंने लिया या टेक्निकल सर्विस ली उसके लिए मैं पैसा कर दे रहा हूं, लोगों को मैंने पैसा दिया, मैं रेजिडेंट पर्सन हूं, ठीक है, तो वो लोगों के हाथ में डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन मान लो मैंने ये नोहा जो है, ये मैंने जो नोहा वगैरह है ये मैंने इंडिया के बाहर किसी बिजनेस में लगाया, बिजनेस प्रोफेशन में या इंडिया के बाहर कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए मैंने उसको यूज किया, तो उस केस में वो लोगों के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज, लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट को मान लो कोई सर्विस दी और उसके बदले उसको रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस मिला तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। अब एक बात समझना, लोगों ने होबो को सर्विस दी, किसको, लोगों ने होबो को सर्विस दी और होबो भी दोनों नॉन रेजिडेंट, मतलब एक नॉन रेजिडेंट दूसरे को दी और वो जो नॉन रेजिडेंट है ना उसने वो वाली सर्विस इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाई या इंडिया में कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए उस रॉयल्टी जो मतलब सर्विस थी उसको लगाया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा लोबो के केस में। ध्यान रखना, देखो लोबो ने, मैंने क्या बोला, लोबो और होबो दोनों नॉन रेजिडेंट, फॉर एन एग्जाम्पल लोबो ने होबो को कुछ सर्विस दी, टेक्निकल सर्विस या समथिंग सर्विस, नोआउ वगैरह, और होबो ने क्या किया, वो इंडिया के बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया तो उस लोगों के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा, या इंडिया में कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए लगाया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। एक चीज समझना, यहां इंटरेस्ट वाले पोर्शन में सिर्फ तभी नॉन रेजिडेंट ने नॉन रेजिडेंट को दिया और नॉन रेजिडेंट वो इंटरेस्ट देता था तो इंटरेस्ट तभी डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाता था जब वो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया, वहां पर एनी अदर की बात नहीं हुई थी कि एनी अदर इनकम कमाने के लिए लगाया, लेकिन यहां पर वो वर्ड यूज हुए है। और वहां पर बेटा इंडिया में कोई और इनकम बनाने के लिए भी अगर मान लो उस लाइक सर्विस को यूज किया है तो उस केस में वो नॉन रेजिडेंट जो होबो ने लोगों को पे किया तो लोगों के लिए वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। इन सिंपल वर्ड एक बार और बोल देता हूं, सुन लो, देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं किसी नॉन रेजिडेंट, एक नॉन रेजिडेंट ने इंडिया में कुछ लोन दिया, अगर रेजिडेंट से इंटरेस्ट मिल रहा है वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया, बट वो रेजिडेंट ने वो वाला पैसा है वो इंडिया के बाहर किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया या इंडिया के बाहर कोई इनकम का सोर्स कमाने के लिए लगाया तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा। अगर उस नॉन रेजिडेंट को इंडियन गवर्नमेंट से मान लो कोई इंटरेस्ट मिलता है, डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। उस नॉन रेजिडेंट को दूसरे नॉन रेजिडेंट से अगर इंटरेस्ट मिलता है और वो जो दूसरा नॉन रेजिडेंट है उसने इंडिया के बिजनेस एंड प्रोफेशन में लगाया है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। रॉयल्टी
30 फीस फॉर टेक्निकल सर्विस सेम लाइन पे, सिर्फ इसमें एक ही फर्क है कि एक नॉन रेजिडेंट ने दूसरे नॉन रेजिडेंट को रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस का पेमेंट किया, तो वो दूसरे नॉन रेजिडेंट के लिए डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया तभी माना जाएगा जब वो पहले नॉन रेजिडेंट ने वो वाली जो सर्विस है जिसके लिए रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहे वो इंडिया के किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में या इंडिया में किसी भी सोर्स का इनकम कमाने के लिए यूज की है। तो यू गॉट माई पॉइंट ऑफ नॉट? यस। चलो अब एक और बात समझना, एक कंसेप्ट आता है दैट इज द बिजनेस कनेक्शन। देखो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में इनकम तभी टैक्सेबल होगा जब इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है। बोलो क्या है? बिजनेस कनेक्शन। अब क्वेश्चन ये आता है बिजनेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? तो देखो नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई एजेंट है, मतलब कोई पर्सन है करके, ठीक है? और वो पर्सन क्या करता है पता है? हैबिचुअली उसके पास हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का पावर है। मतलब एक नॉन रेजिडेंट है और इंडिया में कोई पर्सन रखा हुआ है, वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे हैबिचुअली इंडिया में क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड करने के लिए प्रिंसिपल रोल प्ले करता है। या फिर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में कोई पर्सन रखा हुआ है, वो पर्सन क्या करता है पता है? हैबिचुअली नॉन रेजिडेंट के लिए स्टॉक मेंटेन करता है और नॉन रेजिडेंट के बोलने पर किसी को डिलीवरी करता है। या फिर नॉन रेजिडेंट के लिए हैबिचुअली ऑर्डर सिक्योर करता है। अगर मान लो इन तीनों में से कुछ होता है तो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, नॉन रेजिडेंट की इंडिया में बिजनेस की इनकम तभी टैक्सेबल होती है जब इंडिया में उसका बिजनेस कनेक्शन है। अपन लोग वहां पे DTAA में PE कंसेप्ट देखे थे, यहां पे बिजनेस कनेक्शन देख रहे हैं। तो जिस कंट्री के साथ में DTAA है वहां हम PE देखेंगे और जहां DTAA नहीं है वहां हम बिजनेस कनेक्शन देखेंगे। तो देखो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया में कोई पर्सन है, कौन किसके बिहाफ पे? नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे इंडिया कोई पर्सन है, ठीक है? एजेंट है, यू कैन से दैट, ठीक है? अब एक बात समझना, वो पर्सन है, वो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे उसके पास हैबिचुअली कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करने का पावर है, या जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करना है उसमें वो प्रिंसिपल रोल है, वो अदा करता है, प्रिंसिपल रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, या फिर मान लो नॉन रेजिडेंट के लिए क्या करता है, वो स्टॉक मेंटेन करता है और जब नॉन रेजिडेंट बोलता है तो उसका डिलीवरी करता है, या नॉन रेजिडेंट के लिए अगर वो ऑर्डर सिक्योर करता है, अगर इन तीनों में से कुछ होता है तो वो बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अब एक बात समझना, नॉन रेजिडेंट के लिए वो ऑर्डर सिक्योर करता है एक्सक्लूसिवली नॉन रेजिडेंट के लिए तो ही उस नॉन रेजिडेंट का बिजनेस कनेक्शन माना जाएगा। अब एक बात समझना, इंडिया में कोई पर्सन है, वो एक नॉन रेजिडेंट है, मिस्टर मान लो लोबो के लिए ऑर्डर सिक्योर करता ही है लेकिन साथ साथ में होबो के लिए भी करता है, तो लोबो के लिए मेनली करता है तो मेनली लोबो का तो बिजनेस कनेक्शन बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है होबो का, जो होबो है उसके लिए भी इंडिया में कोई पर्सन है, जैसे मान लो नॉन रेजिडेंट है लोबो, एक लोबो नॉन रेजिडेंट है, मैं क्या करता हूं इंडिया में बीबी सर, मैं क्या करता हूं लोबो के लिए ऑर्डर सिक्योर करता हूं, तो लोबो के लिए ऑर्डर सिक्योर करता हूं तो लोबो के लिए मेरे बिजनेस कनेक्शन हो गया। अब एक बात समझना, मैं कभी कभी होबो के लिए भी कर लेता हूं तो होबो का बिजनेस कनेक्शन बनेगा या नहीं तो उसमें डिपेंड करेगा। अगर लोबो और होबो हम दोनों कनेक्टेड है तो होबो का भी बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। और ये कनेक्टेड कब माना जाएगा? या तो मैं होबो कंफ्यूज हो गए इसमें करके, ठीक है? बेसिकली वो नॉन रेजिडेंट जो है वो लोबो होबो। चलो एक बार वापस से इस एग्जांपल को लेते हैं। मैंने क्या बोला, एक नॉन रेजिडेंट है मान लो लोबो, एक नॉन रेजिडेंट कौन है? लोबो। लोबो के लिए ऑर्डर मैं सिक्योर करता हूं, मेनली मैं लोबो के लिए काम करता हूं पीवी सर, ठीक है? लेकिन मैं कभी कभी होबो के लिए भी करता हूं, तो लोबो का तो बिजनेस कनेक्शन इंडिया में बन गया, होबो के लिए भी मैं ऑर्डर ले रहा हूं तो होबो का बिजनेस कनेक्शन बनेगा या नहीं? वो तभी बनेगा जब लोबो होबो को कंट्रोल करता है, होबो लोबो को कंट्रोल करता है, या दोनों को कोई थर्ड पार्टी कंट्रोल करती है। तो जैसा मैंने आपको एक एग्जांपल में है वो एग्जांपल में दे रखा है, आपको एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, अगर मान लो किसी फॉरेन कंपनी का या नॉन रेजिडेंट का इंडिया में सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है तो उस केस में वो बिजनेस कनेक्शन बन जाएगा। लेकिन सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है वो कब बनता है, मतलब ये बेसिकली एप्लीकेशन वगैरह वाला जो है, टिकटॉक वगैरह जो है एप्लीकेशन, उनको भी इंडिया में बिजनेस की इनकम पे टैक्स भरना पड़ जाएगा। लेकिन अभी इससे रिलेटेड उन्होंने बोला था हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो नोटिफिकेशन में बताएंगे कि कितनी ऐप डाउनलोड हुई, तब उस केस में उनका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वगैरह होगा। तो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम इट इज नॉट रिलेवेंट करके, ठीक है? चलो नेक्स्ट पार्ट देखो, मैंने बोला कि अगर नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो उस केस में उसकी इनकम डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया मानी जाएगी। लेकिन तीन चार केस ऐसे हैं जब बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। पहला पर्सन, अगर मान लो इंडिया में कोई पर्सन रखा है नॉन रेजिडेंट ने और वो सिर्फ इंडिया में गुड्स परचेज करता है, इंडिया में सिर्फ गुड्स परचेज करके और मान लो परचेज के लिए उस कुछ ऑफिस खोला या परचेज के लिए कोई पर्सन इंडिया में रखा है गुड्स परचेज करने के लिए, मतलब लोगों ने मुझे बोला कि बीबी सर इंडिया से आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल खरीदोगे और हमको दे दोगे, तो मेरे को उन्होंने रखा है वो सिर्फ गुड्स परचेज के लिए रखा है तो उस केस में बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। या मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया से सिर्फ न्यूज कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके फिर आगे फॉरेन में दे देता है करके अपनी कंपनी को वगैरह, जैसे आपको पता रहेगा बीबीसी वगैरह के रिपोर्टर बहुत इंडिया में रहते हैं, वो न्यूज कलेक्ट करते हैं और बीबीसी को दे देते हैं, तो वो भी उनका बिजनेस कनेक्शन
नहीं माना जाएगा। या फिर मान लो नॉन रेजिडेंट इंडिया में कोई शूटिंग करने आता है मूवी की शूटिंग इंडिया में होती है करके, ठीक है, तो वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा। मूवी की शूटिंग इंडिया में हो रही है और वो नॉन रेजिडेंट इंडियन सिटीजन नहीं है, या अगर मान लो वो नॉन रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म है तो उसका कोई भी पार्टनर है वो इंडियन सिटीजन नहीं होना चाहिए, या नॉन रेजिडेंट है वो अगर कंपनी है तो उसका कोई भी जो कंपनी है तो कंपनी का कोई भी शेयर होल्डर है वो इंडियन सिटीजन है वो नहीं होना चाहिए या इंडियन रेजिडेंट नहीं होना चाहिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो। अब एक और बात समझना, कोई फॉरेन कंपनी है और फॉरेन कंपनी है वो मान लो डायमंड के माइनिंग वगैरह में है और उन्होंने क्या किया इंडिया में, अगर अनअसोर्टेड जो डायमंड है या जो अनकट डायमंड है उसको सिर्फ डिस्प्ले करते हैं। इंडिया में क्या करते हैं, अनकट डायमंड या अनअसोर्टेड डायमंड को सिर्फ डिस्प्ले का एक्टिविटी करते हैं, तो वो भी बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा करके, ठीक है। चलो अब एक बात समझना, नेक्स्ट पार्ट यहां पे आता है कि अगर इंडिया में कोई प्रॉपर्टी है या इंडिया में कोई असेट है और उससे कोई भी इंकम होती है तो वो डीम टू बी अक्रूड और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। और उसके बाद अपन सीधा चलते हैं कि वोडाफोन वाले केस पे। अब एक बात समझना, ये वोडाफोन के जो केस है उसमें क्या हुआ था करके, ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि इंडिया की एक कंपनी थी दैट इज हच SR लिमिटेड और इसकी एक होल्डिंग कंपनी थी दैट इज CGP मॉरिसस की कंपनी, ठीक है, और उसकी होल्डिंग कंपनी थी दैट इज हचसन टेलीकम्युनिकेशन इंटरनेशनल हांगकांग की कंपनी। और होता क्या है, जो हांगकांग की कंपनी है जो हचसन टेलीकम्युनिकेशन, वो क्या करती है, CGP मॉरिसस की कंपनी के शेयर है वो नेदरलैंड की कंपनी जो है वोडाफोन उसको बेच देते हैं। मतलब एक फॉरेन कंपनी दूसरी फॉरेन कंपनी को तीसरी फॉरेन कंपनी के शेयर बेच रहे हैं, तो ऑब्वियसली इंडिया में टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर इंडियन कंपनी के शेयर बिकते तो इंडिया में टैक्स लग जाता, लेकिन उसमें फॉरेन कंपनी के शेयर है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो वो CGP जो मॉरिसस वाली कंपनी है ना उसके शेयर है वो क्या करती है, हचसन टेलीकम्युनिकेशन हांगकांग वाली है वो क्या करती है, नेदरलैंड वाली वोडाफोन को बेच देते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है इंडिया में कैपिटल गेन लगेगा या नहीं लगेगा। ऑब्वियसली पहले हाई कोर्ट ने बोला था लगेगा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं लगेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि इंडिया में टैक्स लगेगा। अब एक फॉरेन कंपनी के शेयर है वो बेच रहे हो तो वो कैसे इंडिया में टैक्स लग जाएगा, एक फॉरेन कंपनी के शेयर दूसरी फॉरेन कंपनी तीसरी फॉरेन कंपनी को बेच रही है उसमें इंडिया में टैक्स कैसे लग जाएगा। तो उसको लेकर फिर लॉ मेकर्स ने अमेंडमेंट किया बाय फाइनेंस एक्ट 2012, और बाय फाइनेंस एक्ट 2012 से अमेंडमेंट करके उन्होंने क्या क्या चीजें डाली, मेनली उन्होंने एक तो कैपिटल असेट का डेफिनेशन चेंज किया और कैपिटल असेट में लिखा कि अगर इंडियन कंपनी में कोई मैनेजमेंट का राइट है या कंट्रोल का राइट है अगर वो ट्रांसफर हुआ तो वो भी कैपिटल असेट है और वो ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा। तो एक बात समझना, पहले क्या होता था कि जो इंडिया की HSR है उस पे कंट्रोल CGP का था और CGP पे कंट्रोल किसका था, हचसन का। अब एक बात होता, हचसन ने CGP के शेयर ट्रांसफर किए तो उसमें क्या हुआ कि कंट्रोल किसके पास चला गया, वोडाफोन। तो इंडियन कंपनी में जो मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है, मैनेजमेंट या कंट्रोल है वो भी तो ट्रांसफर हो गया, तो वो ट्रांसफर माना जाएगा, कैपिटल गेन लगेगा। अब अमेंडमेंट में उन्होंने एक चीज यहां पे अमेंडमेंट की और अमेंडमेंट में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सेक्शन 9 करके। सेक्शन 9 में उन्होंने एक्सप्लेनेशन 5 जोड़ी और एक्सप्लेनेशन 5 ये बोलती है कि अगर मान लो किसी फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के शेयर है वो भी डीम टू बी लोकेटेड इन इंडिया माने जाएंगे। देखो इंडियन कंपनी के शेयर है इंडिया में लोकेटेड माने जाते हैं, उसको बेचोगे तो इंडिया में कैपिटल गेन लगेगा, लेकिन फॉरेन कंपनी के शेयर है वो भी इंडिया में लोकेटेड माने जाएंगे अगर फॉरेन कंपनी के शेयर अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं इंडियन असेट से। तो मैंने क्या बोला, कोई फॉरेन कंपनी है दैट इज CGP फॉरेन हो गई, तो CGP के शेयर है वो भी इंडिया में लोकेटेड माने जाएंगे अगर फॉरेन कंपनी के जो शेयर है वो अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं इंडियन असेट से। लेकिन कब माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी के शेयर है वो इंडिया से वैल्यू डिराइव कर रहे हैं इंडियन असेट से, ये तब माना जाएगा जब वो फॉरेन कंपनी का इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है और जो इंडिया में असेट है मतलब इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी टोटल असेट के 50% से ज्यादा है, 50% से मतलब 50% और मोर है और इंडिया में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो ये माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी के शेयर है वो अपनी वैल्यू इंडिया से डिराइव कर रहे हैं, दैट इज फॉरेन कंपनी शेयर डिराइव इट्स वैल्यू सब्सटेंशियली फ्रॉम द इंडियन असेट, ऐसा माना जाएगा। और फिर आप फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर करोगे तो उस केस में भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा। एक और चीज समझना, फॉरेन कंपनी के शेयर ट्रांसफर करोगे तो भी इंडिया में टैक्स लग जाएगा, लेकिन एक चीज समझना, कोई नॉन रेजिडेंट है उसके पास उस फॉरेन कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर नहीं है, उस फॉरेन कंपनी के 5% से ज्यादा शेयर नहीं है, मतलब 5% या उससे कम है करके, ठीक है, और उसने लास्ट के 12 मंथ में कोई मैनेजमेंट में वगैरह पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसके हाथ में कैपिटल गेन इंडिया में टैक्सेबल है, वो नहीं होगा, जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया हुआ। अब एक और चीज समझना, अगर फॉरेन कंपनी के शेयर बेचने से इंडिया में कैपिटल गेन लगेगा तो क्या पूरा भी कैपिटल गेन लग जाएगा, नहीं, जितनी इंडिया में असेट है मतलब जितनी प्रोपोर्शन में इंडियन असेट है उतने ही प्रोपोर्शन में टैक्स लग जाएगा। तो यहां पे आपका वोडाफोन वाला केस लॉ है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बाकी वाली चीजें हैं वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इंटरेस्ट रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विस पे मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले चुका हूं। ये जो फंड मैनेजर वाला जो पार्ट है, प्रेजेंस ऑफ एलिजिबल फंड मैनेजर इन इंडिया नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए बिजनेस कनेक्शन, मतलब जो तुम्हारा एलिजिबल फंड होते हैं, एलिजिबल फंड का मतलब क्या होता है, फॉरेन में कुछ फंड होते हैं
और उसमें फॉरेनर इन्वेस्ट करते हैं और वो पूरा फंड है वो इंडिया में पैसा लगाता है और इंडिया में वो क्या करता है, एक फंड मैनेजर अपॉइंट करता है। तो फंड मैनेजर अगर इंडिया में अपॉइंट कर रहे हैं तो उस केस में वो बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा और बिजनेस कनेक्शन नहीं बनेगा तो इंडिया में उनकी इनकम, बिजनेस की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन उसके कुछ कंडीशन है, ये कंडीशन आपको एक बार रीड करनी है तो कर लेना करके, ठीक है, रीड करनी है तो कर लेना। पेपर नंबर 7 के लिए तो एक बार आपको रीड करना है तो आप कर लेना, नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब एक और चीज समझना, मैंने यहां पे कुछ एग्जेम्पशंस दे रखी है, मतलब इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी, कुछ एग्जेम्पशन मिलेगी इनकम पे। ये एग्जेम्पशन किसको मिलेगी, सबसे पहला अगर मान लो किसी भी पर्सन जो आउटसाइड इंडिया है, मतलब पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर द फेमा एक्ट, फेमा एक्ट के हिसाब से वो अगर पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और पर्सन हु हैज बीन परमिटेड टू मेंटेन अकाउंट विद द एसबीआई और उसके पास अगर एनआरई अकाउंट है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, एनआरई अकाउंट है, तो उस पर जो भी इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट हो जाएगा, इंटरेस्ट पे कोई भी टैक्स है वो नहीं लगेगा। अब एक और चीज समझना, कोई इंडिविजुअल है और वो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, यहां नॉन रेजिडेंट नहीं है, समझना, दूसरे वाले मैं 10(6)(2) की बात कर रहा हूं। कोई क्या है, क्या इंडिविजुअल है जो नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन नहीं है। आपको पता है इंडिया के डिप्लोमेट, इंडिया में बहुत सारे फॉरेन डिप्लोमेट्स रहते हैं, इंडिया के वो जो फॉरेन की एम्बेसीज वगैरह में काम करते हैं तो नॉन रेजिडेंट तो होते नहीं, वो तो रेजिडेंट बन जाते हैं लेकिन वो इंडियन सिटीजन नहीं है। तो जो नॉन इंडियन सिटीजन है इंडिविजुअल और जो इंडिया की एम्बेसीज में वगैरह, जो मतलब फॉरेन की एम्बेसीज जो इंडिया में है उनमें अगर डिप्लोमेट्स कॉन्सुलेट्स वगैरह जो होते हैं उनकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, इंडिया में एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन इसमें दो कंडीशन है, पहली कंडीशन उस कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए, उस कंट्री में अपने डिप्लोमेट्स की जो इनकम है उस पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो ऑफिसर्स वगैरह जो इंडिया में है, बेसिकली जो फॉरेन एम्बेसीज में वगैरह जो काम कर रहे हैं वो इंडिया में और किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में एंगेज नहीं होने चाहिए करके। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो जो भी तुम्हारे नॉन सिटीजन और इंडिया में जो डिप्लोमेट्स फॉरेन गवर्नमेंट के हैं उनकी इनकम पे इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद तो जो चीजें हैं वो आप एक बार रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगी करके, ठीक है। इसमें एक और चीज है, ये 48A, अगर इंडिया में मान लो वो फॉरेन कंपनी का क्रूड ऑयल स्टोरेज करती है और स्टोरेज करके सेल वगैरह करती है तो उसकी इनकम है वो पूरी एग्जेम्प्ट हो जाएगी, वो दे रखा है, वो एक बार आप रीड करोगे तो समझ में आ जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका इक्वलाइजेशन लेवी, और इक्वलाइजेशन लेवी को अपन गूगल टैक्स भी बोल सकते हैं, फेसबुक टैक्स भी बोल सकते हैं। अब एक बात समझना, फेसबुक वगैरह जो है उनका आपको बता दो इंडिया में वो पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन उनका इंडिया में पीई नहीं है और इंडिया में उनकी बिजनेस की इनकम तभी टैक्सेबल होगी, या तो इंडिया में पीई है या इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है। उनका ना तो बिजनेस कनेक्शन है ना पीई है तो इंडिया में इनकम टैक्सेबल होने का सवाल ही नहीं होता करके, ठीक है, क्योंकि बिजनेस वो सब यूएसए से होता है। फेसबुक का यहां पे एक ऑफिस है लेकिन वो ऑफिस सिर्फ ऑक्सिलरी सर्विस देता है, प्रिपरेटरी सर्विस देता है, और जब भी ऑक्सिलरी प्रिपरेटरी सर्विस देता है तो वो बिजनेस कनेक्शन या पीई नहीं बनता है। पीई तब बनता है जब वो मेन सर्विस देनी चाहिए। तो होता क्या, इंडिया में उनका ऑफिस है वो लेकिन वो सिर्फ क्या देता है, ऑक्सिलरी सर्विस देता है, प्रिपरेटरी सर्विस देता है, तो ऑब्वियसली उनका पीई इंडिया में नहीं, तो उनकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती है। अब एक बात समझना, होता क्या, इनकम तो उनकी इंडिया में टैक्सेबल हो नहीं रही है। इनकम जब इंडिया में टैक्सेबल नहीं हो रही और हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो हम क्या करते हैं, फेसबुक को पे करते हैं, क्रेडिट कार्ड से फेसबुक पेमेंट ले लेती है और पेमेंट ले लेती है और हम खर्चा इंडिया में क्लेम कर रहे हैं। अब इधर देखो, इंडिया में हम खर्चा क्लेम कर रहे हैं और उधर उसके हाथ में टैक्सेबल ही नहीं है क्योंकि इंडिया में उनका पीई नहीं है, इंडिया में उनका बिजनेस कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए क्या हो रहा था, इधर खर्चा अलाउ करना है उधर टैक्सेबल नहीं, तो इन्होंने एक नया टैक्स लगाया, दैट इज द इक्वलाइजेशन लेवी। और इक्वलाइजेशन लेवी को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया बाय फाइनेंस एक्ट 2016, बाय फाइनेंस एक्ट 2016 से उन्होंने इक्वलाइजेशन लेवी करके कंसेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया। एक और चीज समझना है यहां पे, इक्वलाइजेशन लेवी की जितनी भी सेक्शन है वो इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन नहीं है, वो आपके फाइनेंस एक्ट 2016 की सेक्शन है। फाइनेंस एक्ट के थ्रू भी किसी भी लॉ को ये है इंपोज कर सकते हैं और यहां पे फाइनेंस एक्ट 2016 की जितनी भी सेक्शन है। अब एक बात समझना, इक्वलाइजेशन लेवी किसको लगता है, किसी नॉन रेजिडेंट को लगता है, जैसे फेसबुक नॉन रेजिडेंट, और उस नॉन रेजिडेंट को लगता है फेसबुक को जिसका इंडिया में पीई नहीं है। तो देखो, फेसबुक का इंडिया में पीई नहीं है, फेसबुक का इंडिया में पीई नहीं है, और वो स्पेसिफाइड सर्विस किसको देता है पता है, जो पर्सन इंडिया में रेजिडेंट है, या किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को देता है जिसका इंडिया में पी है, उसको अगर एडवर्टाइजमेंट सर्विस जो स्पेसिफाइड सर्विस है वो देता है तो उसमें इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। तो देखो, किसको लगता है इक्वलाइजेशन लेवी, नॉन रेजिडेंट को लगता है, मतलब फेसबुक जिसका इंडिया में पी नहीं है, फेसबुक को लगेगा करके, ठीक है। वो किसको सर्विस दे रहा है, या तो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, जैसे बीबी सर को दे रहा है, मैं रेजिडेंट हूं इंडिया में, बीबी वर्चुअल हमारा रेजिडेंट है, हम एडवर्टाइजमेंट सर्विस लेते हैं, या फिर किसी दूसरे नॉन रेजिडेंट को देता है जिसका इंडिया में पी है। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो गोडैडी है, गोडैडी भी यूएसए का कंपनी है लेकिन उनका बैंगलोर
में ऑफिस वगैरह है यहीं से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो गो डैडी का यहाँ पे पी है, तो गो डैडी को फेसबुक ने सर्विस दी तो उस पर भी इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट गो डैडी, फेसबुक भी नॉन रेजिडेंट लेकिन गो डैडी का पी है, तो गो डैडी को सर्विस अगर फेसबुक ने एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी तो उस पर इक्वलाइजेशन लेवी लग जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इक्वलाइजेशन लेवी है वो कब नहीं लगेगा। पहली चीज तो अगर मान लो जो एडवर्टाइजमेंट सर्विस दी है उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूटिलाइज करेंगे तो ही इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। और दूसरी चीज भाई उसको जो पेमेंट कर रहे हैं फेसबुक को वो 1 लाख रुपए से ज्यादा है, पूरे साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा है तभी इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, अदरवाइज इक्वलाइजेशन लेवी है वो नहीं लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर इक्वलाइजेशन लेवी है वो क्या फेसबुक से गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी, नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देगी पेयर को, जैसे टीडीएस काटते वैसे ही। इन्होंने बोला कि जो भी इंडिया का पर्सन रेजिडेंट पर्सन है या नॉन रेजिडेंट जिसका पीई इंडिया है और वो नॉन रेजिडेंट को पे कर रहे फेसबुक वगैरह को तो उनका 6% इक्वलाइजेशन लेवी काट लो, अगर 1 लाख से ज्यादा का प्रीवियस ईयर में पेमेंट है तो आपको 6% है वो इक्वलाइजेशन लेवी है वो आपको काटना पड़ेगा। और एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी है वो अगले महीने की 7 तारीख तक आपको गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा, जैसे टीडीएस है वो भी 7 तारीख तक करवाते हैं, यहां इक्वलाइजेशन लेवी भी आपको अगले महीने की 7 तारीख तक है वो आपको पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब एक और चीज समझना, आपने इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा तो आपको अपनी जेब से इक्वलाइजेशन लेवी है वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एक और चीज समझना, अपन ने क्या देखा था कि भैया टीडीएस है वो मार्च का टीडीएस आपको 30 अप्रैल तक जमा करवाना पड़ता है, लेकिन इक्वलाइजेशन लेवी में ऐसा नहीं है, इक्वलाइजेशन लेवी जो मार्च वाला है वो भी आपको 7 अप्रैल तक गवर्नमेंट को जमा करवाना पड़ेगा। एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी अगर आपने लेट जमा करवाया तो आपको क्या होगा, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ की रेट से इंटरेस्ट भी लग जाएगा। अगर आपने यहां पे कुछ पेनल्टी भी है, पेनल्टी ये बोलती है कि अगर मान लो इक्वलाइजेशन लेवी आपने नहीं काटा तो आपको इक्वलाइजेशन लेवी जो है वो तो पे करना ही पड़ेगा, उसके साथ में आपको 100% तक है वो पेनल्टी लग सकती है, 100% है वो पेनल्टी आपको लग जाएगी करके। या फिर आपने इक्वलाइजेशन लेवी काटा बट गवर्नमेंट को आप पे नहीं कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी तो पे करना ही पड़ेगा और 1000 रुपए पर डे का आपको पेनल्टी लग जाएगा, जितने टाइम का आपका फेलियर है उतने टाइम का 1000 पर डे का आपको पेनल्टी है वो लग जाएगा। अब एक और चीज समझना, जो भी पेयर रहेगा मतलब हम लोग जो इंडिया वाले वो अपना एक रिटर्न भी फाइल करेंगे, इक्वलाइजेशन लेवी का एक रिटर्न फाइल करना पड़ेगा जो फॉर्म नंबर 1 में फाइल करना पड़ता है और उसकी डेट रहेगी 30 जून तक, मतलब जैसे ही प्रीवियस ईयर खत्म हो गया उसके बाद 30 जून तक है वो रिटर्न फाइल है, वो रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इक्वलाइजेशन लेवी का। अब एक और चीज समझना, इक्वलाइजेशन लेवी का जो रिटर्न फाइल किया अगर मान लो वो 30 जून तक फाइल नहीं कर पाए या किया था और उसमें कुछ गलती होगी तो क्या उसको बिलेटेड फाइल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, आंसर इज यस, रिवाइज बिलेटेड कर सकते हैं और उसका जो टाइम लिमिट रहेगा दैट विल बी द 2 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सर्विस वॉज प्रोवाइडेड, मतलब जिस ईयर में सर्विस प्रोवाइड हुई थी उस ईयर के एंड से 2 साल का टाइम लिमिट रहेगा, 2 साल तक उसको रिवाइज कर सकते हैं, बिलेटेड है वो कर सकते हैं। अब एक और चीज समझना, बहुत बार ऐसा होता है कि एओ आपको नोटिस भेजता है, जैसे अपने वहां पे 142 का नोटिस था वैसा एओ नोटिस भेज के और आपसे ये रिटर्न है वो मंगवा सकता है, तो बेटा जैसे ही एओ ने नोटिस भेजा उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको वो नोटिस है वो उस विदिन 30 डेज है वो आपको सर्विस के विदिन 30 डेज आपको अपना रिटर्न है वो फाइल करना पड़ेगा। अब एक बात समझना, इक्वलाइजेशन लेवी का जो रिटर्न है वो रिटर्न की प्रोसेसिंग होती है, जैसा अपना नॉर्मल प्रोसेसिंग होती है 143(1) की वैसे ही प्रोसेसिंग होती है, अगर उसमें कुछ अरिथमेटिक एरर है या इनकरेक्ट क्लेम है वो ठीक होने के बाद आपको इंटीमेशन मिल जाएगी, और इंटीमेशन कब तक मिलेगी, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल, मतलब इक्वलाइजेशन लेवी का जो रिटर्न फाइल किया था वो रिटर्न फाइल की ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। अब एक और बात समझना, अगर मान लो रेक्टिफिकेशन कुछ करना है इक्वलाइजेशन लेवी का, आपने कुछ भी जो क्या बोलते हैं, इफ देयर इज एनी मिस्टेक अपेरेंट ऑन द रिकॉर्ड देन एओ में अमेंड सच, मतलब इंटीमेशन है वो इंटीमेशन में अगर कुछ मिस्टेक है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो, जैसे वहां 154 सेक्शन थी वैसे का वैसे यहां पे है वो आपका 169 सेक्शन है, और यहां रेक्टिफिकेशन का टाइम रहेगा, इंटीमेशन कैन बी अमेंडेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटीमेशन शॉट टू बी अमेंडेड वॉज इशूड, मतलब जब इंटीमेशन इशू हुआ उस ईयर के एंड से 1 साल के अंदर अंदर अमेंडमेंट हो सकता है करके। अब जो रिटर्न अगर आप लेट फाइल करोगे तो 100 रुपया पर डे का आपको पेनल्टी है वो लग जाएगा, 100 रुपया 30 जून के बाद से लग जाएगा, या फिर आपको उन्होंने नोटिस भेजा कि आप रिटर्न फाइल करो, आप नहीं फाइल कर रहे हो तो जैसे ही वो 30 डेज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद से 100 रुपीज पर डे का आपको पेनल्टी है वो लग जाएगा। अब एक और बात समझना, इन्होंने क्या किया, पीजीबीपी में अमेंडमेंट किया और पीजीबीपी में एक सेक्शन डाली, दैट इज सेक्शन 40 का क्लॉज ए सब क्लॉज 1B, और उसमें ये लिखा कि अगर आप इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटते हो, जैसे मान लो हमने फेसबुक के थ्रू एडवर्टाइजमेंट किया तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर हम क्लेम करेंगे
जिंडल के डेबिट में, अगर हमने फेसबुक का इक्वलाइजेशन लेवी नहीं काटा या काटा बट गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, मतलब या तो इस प्रीवियस ईयर में नहीं काटा या प्रीवियस ईयर में काटा बट आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक अगर गवर्नमेंट को जमा नहीं करवाया, तो बेटा उस केस में आपका 100% वो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 100% डिसअलाउड हो जाएगा. और अगर इक्वलाइजेशन लेवी ऑलरेडी कट चुका है तो उस केस में वापस उस इनकम पे क्या फेसबुक के हाथ में टैक्स लगेगा? आंसर इज नो, फेसबुक के हाथ में टैक्स नहीं लगेगा एज पर द सेक्शन 1050. अब यहां पे कंप्लीट हो जाता है अपना टॉपिक नंबर जो 9 है, वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल से रिलेटेड है. आप इसको एक बार रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल सिंपल रूल्स है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा. उसके बाद के 3 सिंपल सिंपल टॉपिक और है, वो सिर्फ न्यू सिलेबस के लिए है, ओल्ड सिलेबस के लिए नहीं है. अगर आपको चाहिए तो 1 आवर्स के तीनों लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाल चुके हैं. सो गाइज, दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर रिविजन लेक्चर. मैंने आपको 3 रिविजन लेक्चर है वो आपको मैंने दिए करके, ठीक है. अब एक चीज समझना, बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा सर आईसीडीएस का भी रिवीजन लेक्चर दे दो. मैं बता दूं आईसीडीएस लास्ट ईयर वाला रिवीजन लेक्चर है वो देख लो करके, ठीक है. लेकिन लास्ट ईयर वाला देख लेना, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है करके. 2-3 जगह चेंज है, बाकी ज्यादा चेंज नहीं. आपके पास कॉम्पैक्ट तो है ही, तो जो चेंज वाला पार्ट है वो आपको देखने की जरूरत नहीं, बाकी पार्ट है वो आप देख लो. और हमेशा ध्यान रखना, आपको पीजीबीपी के रिवीजन लेक्चर है उसमें बहुत सारे आईसीडीएस के पॉइंट डाले हैं. असेसमेंट वाले रिवीजन लेक्चर में बहुत सारे आईसीडीएस है उसके पॉइंट डाले हैं, तो वो आपको ध्यान देना है. आईसीडीएस का रिवीजन लेक्चर आप पुराना वाला देख सकते हो, मेरे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा. गाइस थैंक्स अ लॉट, आप लोगों ने इतना मुझे सुना और ये 10वां लेक्चर था. आपने कम से कम 12-13 घंटे तक है, 12-13 क्या 15 घंटे हो गए होंगे, आपने 10 लेक्चर तक मुझे सुना. ऑब्वियसली आप लोगों को अच्छा लगा होगा. आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों की हेल्प करता हूं मैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे अच्छा लगता है यार कि चलो यार इनका फटाफट रिवाइज हो जाता है. बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब कहीं इधर उधर घूम रहे हैं, तभी आप घंटे पर सुनोगे तो आपके 2-3-4 टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे. आज तो कितने सारे टॉपिक कर लिए हमने, तो बहुत सारी चीजें हैं वो रिवाइज हो जाएगी. आप लोगों के ये जो रिविजन लेक्चर इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले 9-10 है, या आपके 6C के लिए भी हेल्प करेंगे एज वेल एज पेपर नंबर 7 है उसके लिए भी हेल्प करेंगे करके, ठीक है. और बाकी बेटा पढ़ाई करते रहना. अभी मैं रोज ये बोलूँ कि पढ़ाई करते रहना, अच्छा नहीं लगेगा. आप लोग पढ़ाई करते रहना, और ऑब्वियसली आपको पढ़ाई करनी है, आपकी लाइफ का यह सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है. और सिर्फ एक ही एग्जाम है, ध्यान रखना, सिर्फ एक ही एग्जाम है. आपको लगता नहीं सिर्फ अपने को कितने 40-45 डेज ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं, 40-45 डेज. उसके बाद तो आप एक आजाद हो जाओगे करके, ठीक है. और आजाद हो जाने के बाद तो अपन एकदम क्या मजे करते करके, ठीक है. जो लाइफ में करना है वो करना, लेकिन एग्जाम के बाद जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, अगर आजकल तो होंगे नहीं बट मान लो है, तो भी थोड़ा दूर रहो, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो सोशल मीडिया पे, और सिर्फ एंड सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे दो करके, ठीक है. और मुझे आपसे क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए कि आप सब लोग पास हो जाओ करके. और पास होने के बाद श्योरली मुझे कॉल करना, मुझे मैसेज करना. मैं कॉल नहीं उठाऊं तो मुझे मैसेज करना जब भी मैं पढ़ूंगा. मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप पास हो जाओगे करके, ठीक है. तो आज से पढ़ना चालू कर लो, अपने खुद के लिए एज वेल एज द बीबी सर के लिए, मेरे लिए भी पढ़ना चालू करो. क्योंकि मैं ये आपके लिए रिविजन लेक्चर डाल रहा हूं. आपको पता, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे से नहीं पढ़े हो ऑब्वियसली करके, ठीक है. पूरे इंडिया के सब बच्चे मेरे से नहीं पढ़ते, बहुत दूसरे प्रोफेसर से भी पढ़े हैं. होप सो आप लोगों को भी बहुत हेल्प हुई होगी. आपने भले मेरे से क्लास नहीं ली, बट मैं हमेशा जब रिविजन लेक्चर रिकॉर्ड करता था तो मैं आपके बारे में सोच के भी करता था, ठीक है. तो तुम्हारा फर्ज बनता है मुझे रिटर्न देने का करके, ठीक है. और रिटर्न में मुझे क्या चाहिए? आपकी डिग्री चाहिए. आप सीए बन जाओ, मुझे आपकी डिग्री चाहिए. और जब आप सीए बनोगे तो सच बताता हूं आपके मम्मी पापा से ज्यादा खुश है वो मैं होता हूं करके, ठीक है. जब भी हमने स्टूडेंट है आप लोग सीए बनते हो, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा खुशी हमको भी होती है. सो थैंक्स अ लॉट पीपल. पढ़ते रहना और याद रखना, दुआओं में याद रखना, मेरे लिए भी दुआ करना करके, ठीक है. और साथ साथ में मैंने हमेशा बोला हूं कि जब भी आप सीए बन जाते हो, जब भी आप मुंबई आओ, अपन मिलेंगे करके. क्योंकि किसी ने बोला है जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे, लेकिन मैं बोलता हूं मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे. थैंक्स अ लॉट पीपल, आज के लिए इतना बहुत है.